मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और कैसे आप इनके अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग को रैशनलाइज कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम अंदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भी आज हमें क्या पढ़ना है, मेटल कार्बोनेल्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमने टोटल पांच सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मेटल कार्बोनेल्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनेल्स, फिर आपने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनेल्स, फिर हम भाई इनके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, और लास्ट में आपने पढ़नी है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। मैं आपको बताऊं, इसमें से जो प्रिपरेशन और जो क्या है रिएक्शंस, ये भी क्रैमिंग पोर्शन होता है, इसको आप नेट के लिए अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन भाई इसके ऊपर भाई अगर क्वेश्चन आ जाता है तो, अगर मान लिया आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो तो पढ़ लियो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, समझ गए बात। लेकिन भाई नेट में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं तो हमने ऐड कर रखा है। ठीक है, ओके। तो बताओ सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ मेटल कार्बोनेल्स। मेटल कार्बोनेल्स क्या होते हैं, देखो एक होते हैं मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस। मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिनमें जो मेटल होता है, बोलो भाई, वो मेटल क्या करता है, जो लिगेंड्स हैं उससे वो सिग्मा बॉन्डिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन मेटल लिगेंड से पाई बॉन्डिंग भी करता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस। भाई आपको हो गए, हमको तो मेटल कार्बोनिल्स पढ़ने हैं, तो मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस क्यों, क्योंकि मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस का सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल होता है, समझ गए बात। मोस्टली लिगेंड्स क्या करते हैं, मेटल सेंटर से सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन कुछ लिगेंड्स क्या करते हैं कि मेटल सेंटर से भाई उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्डिंग तो कर ही लेते हैं, लेकिन उस लिगेंड के पास खुद क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप के लिए। तो क्या करते हैं वो, कि वो सेंट्रल एटम से, सेंट्रल मेटल से, मेटल के जो क्या है फुल्ली फिल्डी, मतलब मेटल के एम्प्टी डी में तो क्या प्रोवाइड कर देगा, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और मेटल के जो क्या है, बोलो भाई, फुल्ली फिल्डी ऑर्बिटल, उससे अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स का साइडवाइज ओवरलैप करके और मेटल से क्या कर लेता है, एक साइड में बॉन्ड और बना ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, इजंट इट। बात आपको पहले पड़ गई। तो जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, ये इसी का एक तरह से, मैं आपको बताऊं भाई, तो सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल होता है मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस का, वो आप कौन से होते हैं, बोलो भाई, मेटल कार्बोनिल्स। क्यों, क्योंकि जो मेटल होता है इससे कार्बोनिल क्या करता है बताओ, सिग्मा बॉन्ड तो फॉर्म करता ही करता है, लेकिन साथ में यानी कि मेट कार्बन टू मेटल तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहां से वो तो यहां क्या बनता है, पाई बॉन्ड, इजंट इट। तो मेटल कार्बन किन को बोलते हैं, जिनमें भाई सेंट्रल एटम हो, और भाई लिगेंड्स कौन से हो बताओ भाई, कार्बोनिल्स एज लिगेंड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और भैया मैं आपको बताऊं, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को बहुत, ये मानो भाई बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, मतलब कंप्लीटली तो नहीं भाई, लेकिन फिर भी ये भाई औरों के मुकाबले 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में फॉलो करते हैं। ज्यादातर मेटल कार्बोनिल्स आपको क्या मिलेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन काउंट वाले ही मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लिया जहां पर भाई लिगेंड से इलेक्ट्रॉन काउंट 18 नहीं हो पाता और एक से ज्यादा क्या मेटल सेंटर, वहां पर क्या बन जाते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ Mn2CO10, ठीक है, Mn2CO10, तो एक के पास क्या भाई, तो 14 इलेक्ट्रॉन तो हो गया हमारे दो मैगनीज के, और भाई CO10 20 कहां से आ गई, ये तो 34 है ना भाई यहां पर, लेकिन दो मैगनीज हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये दो कहां से आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, एक मेटल मेटल बॉन्ड से। बात आपको पहले पड़ गई। तो आपका भाई Mn2CO10 है, या आपका Fe3CO12 है, या आपका Ir4CO12 है, इन सब में क्या होते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड्स। ठीक है बात, यानी कि भाई ये जो डाइमर है या भाई टेट्रामर है, उनकी फॉर्मेशन यहाँ पर खूब होती है, यहाँ पर जो ब्रिजिंग होती है, और जो कार्बोनाइल होता है वो मैं आपको बताऊँ एज ब्रिजिंग लिगेंड भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपको मेटल कार्बोनिल्स में नहीं है, बहुत वाइड वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, समझे बात। किसी कॉम्प्लेक्स में कार्बोनिल क्या करेगा, बोलो भाई, μ1 मोड में अटैच होएगा, किसी में क्या होगा बताओ भाई, μ2 यानी कि दो मेटल सेंटर से ब्रिज कर लेगा, किसी में क्या होगा, तीन मेटल सेंटर से, इजंट इट। तो ये काफी वाइड क्लास, बात आपको पहले पड़ गई। तुम क्या बोलेंगे,
डेफिनेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ मेटल विद कार्बोनिल एज लिगेंड, उसे हम क्या बोलेंगे, मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, इसके वही सबसे टिपिकल एग्जांपल आपने देखे होंगे ना, कौन सा होता है, एक तो NiCO4, एक FeCO5, जो म्यूजुअली पढ़ते हैं भाई, एक टेट्रा कोऑर्डिनेशन है, एक में क्या है पेंटा कोऑर्डिनेशन, एक में क्या है हेक्सा कोऑर्डिनेशन। NiCO4, FeCO5 एंड CrCO6, इजंट इट? ठीक है भाई, तो डेफिनेशन होगी। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। आप भाई मेटल कार्बोनिल्स को आप कैसे बनाते हो, एक तो क्या होता है हमारे पास डायरेक्ट रिडक्शन, कि आप क्या करो बताओ भाई, सिंपली जो निकिल है उसको आप भाई सिंपली हीट कर दो किसके साथ, बोलो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, बताओ क्या बन जाता है NiCO4, और बताओ Fe5CO, इससे बताओ क्या बन जाता है हमारे पास FeCO5, और मैं आपको बताऊँ कोबाल्ट का भी बन जाता है, बताओ क्या, Cobalt 2CO8। देखो बहुत कम, आमतौर पर आपको बताऊँ भाई रिएक्शन पार्ट को मैं अवॉइड करने की आपको इशारा देता हूँ, लेकिन एक बार नेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ कौन कौन से मेटल सेंटर हैं जो डायरेक्टली क्या बना सकते हैं मेटल कार्बोनिल्स, उसमें कई ऑप्शन है, एक ऑप्शन में दे रखा है आयरन और निकल, तो कौन सा आंसर हमारा, हमको पता भाई आयरन और निकल क्या करते हैं, डायरेक्ट रिएक्ट करके किससे, कार्बोनाइल से, और क्या तैयार कर सकते हैं बताओ भाई, बोलो मेटल कार्बोनिल्स, इजंट इट? अरे वो सिंपली आपने वो क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, हालांकि कोबाल्ट भी है, हालांकि वो क्या है कोबाल्ट भी, और उस ऑप्शन में कोबाल्ट भी दे रखा है, लेकिन कोबाल्ट के साथ एक ऐसी मेटल दे रखी है जो डायरेक्टली तैयार नहीं करती, तो पेयर बताना पूरा, बात आपको पहले पड़ेगी, तो एक पेयर में कौन है, निकल और आयरन, तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। हम आमतौर पर क्या मानते हैं कि भाई रिएक्शन है या भाई जो प्रिपरेशन हो उनके ऊपर नेट में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कभी कभार कोई इक्का दुक्का पूछ ले तो आपको हल्का है कि रिव्यू लेने में कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना बात भाई, ओके, और आपकी मेमोरी अच्छी हुई तो इनको याद भी कर लो, क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, एक तो बताओ क्या है, बाई डायरेक्ट रिडक्शन, तो ये तीन जो है निकिल आयरन कोबाल्ट, ये तो भाई सीधे गर्म करने पर क्या बना लेंगे, बोलो भाई मेटल कार्बोनिल्स। एक बताओ क्या होता है, बाई रिडक्शन, यहाँ पर आपने भाई क्या करना है, इनको बताओ सोडियम वगैरह है इनके साथ आपने इसे क्या करना है भाई, रिड्यूस करना है। ठीक है, हम बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, आप CrCl3Al6CO, बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो क्या निकल जाएगा AlCl3 और Cr से क्या जुड़ जाएंगे, छे, बात आपको पहले पड़ गई भाई, ये क्या है विया प्रोडक्शन, और बताओ क्या हमारे पास फ्रॉम, बोलो भाई मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, और एक आप बताओ कैसे, जो हमारे पास क्या होते हैं डाई न्यूक्लियर या ट्राई न्यूक्लियर क्या होते हैं मेटल कार्बोनिल्स, उन्हें आप कैसे बना सकते हो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स से, कैसे भाई, फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करो, आप दो FeCO5 को गर्म कर दो, सॉरी लाइट डाल दो, बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास Fe2CO9, या आप एक काम करो भाई, आप OSCO5 को गर्म, इसके ऊपर लाइट डालो, क्या बन जाएगा OS2CO9, बताओ आपको पहले पड़ गई भाई, तो यहाँ से पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल बना सकते हैं मेटल कार्बोनिल से, सॉरी मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल से। एक बोलो भाई, एक बताओ कैसे बनाएंगे हम, फ्रॉम आयरन पेंटा कार्बोनिल, आप बताओ भाई MOCl6 है, इसको आप किसके साथ गर्म कर दें FeCO5 से, तो क्या बन जाएगा FeCl2 निकल, और क्या बन जाएगा, बात आपको पहले पड़ गई भाई, अरे बोलो भाई, तो क्या बन गया हमारे पास MOCO, यानी आपने आयरन के कार्बोनाइल को गर्म कर दिया किस साथ भाई, बताओ मोलिब्डेनम के क्लोराइड के साथ, क्या मिल गया आपको मोलिब्डेनम का कार्बोनाइल, देखो दोनों में बताओ हमने किससे बनाए हैं, ये आयरन के कार्बोनिल से भाई, तो एक तरीका ये होता है, एक हमारे पास क्या होता होता भाई मेटाथीसिस रिएक्शन, ये बना रखा, ठीक है बात। देखो मैं भाई आपको बोलूं कि आपकी मर्जी है, आप भाई प्रिपरेशन पढ़ना चाहो तो ठीक है, लेकिन मैं भाई क्योंकि हम इतना सारा सिलेबस करते हैं, ठीक है, तो अगर मान लिया आपकी मेमोरी अच्छी नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिएक्शन और प्रिपरेशन इनको इनके ऊपर फोकस ना करो, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा और इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आते हैं बहुत रेयर, कभी कभार कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है बात, ओके। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, कि भाई मेटल कार्बोनिल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, तो भाई मेटल कार्बोनिल्स की स्ट्रक्चर समझने के लिए भाई देखो स्ट्रक्चर में क्या करेंगे हम, यहां पर ये नहीं देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर बनी कैसे, बॉन्डिंग की बात हम भाई बाद में करेंगे, ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़नी है मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स की स्ट्रक्चर, फिर हम क्या पढ़ेंगे बोलो भाई डाई न्यूक्लियर, फिर हम क्या पढ़ेंगे ट्राई न्यूक्लियर या पोली, और उसके बाद भाई पॉली न्यूक्लियर, तो पहले हम क्या पढ़ते हैं मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स,
तो भाई मैं आपको बताऊं, जो मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे पॉपुलर एग्जांपल आप कौन से होते हैं? एक तो क्या होता है NiCO4, ये पता कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। एक कौन सा होता है आपके पास? FeCO5। ये क्या होता है आपके पास? बोलो भाई, बल बल क्या करो आप, यहाँ पर एम लिखो, यहाँ पर आप क्या लिखो भाई, एम, MCO5, ठीक है। और इसको NiCO4 मत लिखो, इसे आप क्या बोलो, MCO4। ये बताओ क्या गया हमारे पास, कार्बोनाइल 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 कार्बोनाइल, ठीक है ना। तो यहां पर जो मेटल है तो हमारे पास जो क्या होते हैं, टेट्रा न्यूक्लियर कार्बोनिल। इसमें जो एम है पता क्या क्या हो सकता है बताओ भाई, एम बताओ क्या होता है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के कौन कौन से कार्बोनिल होते हैं? एक तो NiCO4, और एक कौन सा होता है, NiCO4, एक कौन सा भाई, PdCO4, ठीक है। और बताओ हमारे पास भाई, हमारे पास फाइव कोऑर्डिनेशन वाले मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल कैसे होते हैं आमतौर पर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यहां याद रखियो भाई, सिर्फ FeCO5 ही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता, ठीक है। वो तो और कौन से, RuCO5 और OsCO5 भी क्या होते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अब बताओ एक हमारे पास क्या होते हैं, MCO6। यानी भाई एक मेटल से आपने कितने कार्बोनाइल आपने अटैच कर रखे हैं बताओ भाई, 6 कार्बोनाइल, इजंट इट। तो हमको भाई सबसे टिपिकल एग्जांपल कौन सा होता है, CrCO6। लेकिन क्या CR के अलावा और भी मेटल सेंटर होते हैं जो ऑक्टाहेड्रल मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल तैयार करते हैं, बताओ कौन से? बिल्कुल होते हैं, कौन से भाई बताओ भाई, वैनेडियम क्रोमियम मोलिब्डेनम और W टंगस्टन। यानी कि WCO6 भी होता है, MOCO6 भी होता है, CrCO6 भी होता है, और VCO6 भी एग्जिस्ट करता है। जरूरी नहीं कि इनमें भैया 18 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे VCO6 है इसमें क्या होते हैं आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन भैया एग्जिस्ट तो करता है और ऑक्टाहेड्रल ही होता है। ओके, अब बताओ भाई, उसके बाद आपने बताओ क्या पढ़ने हैं, बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। अब बताओ बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल आपने कौन सा पढ़ना है, कोबाल्ट टू सीओ एट। पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, कोबाल्ट टू सीओ एट, ठीक है। ये बताओ कैसा होता है, और आपने भाई ग्रुप थ्योरी पढ़ रखी ना, इससे पहले जो क्या थे मोनो न्यूक्लियर, उसमें NiCO4 का क्या पॉइंट ग्रुप, बोलो भाई, TD D3H, और क्या था हमारे पास, TD D3H, और क्या था, OH, उनका पॉइंट ग्रुप भाई, ठीक है। अब बताओ हमारे पास क्या है, कोबाल्ट CO8, यानी कि आपने 8 कार्बोनिल जोड़ रखे। तो भैया आप ये बताओ, हालांकि आप इसमें नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकाल सकते हो, कितने हैं ये पता है, एक यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स, कैसे भाई, अरे भाई दो मेटल सेंटर हैं तो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन कितने, 36, 18 दूनी 36 चाहिए भाई। एक कार्बोनिल के पास होते कितने हैं, एक कोबाल्ट के पास भाई, एक कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नो, अरे बोलो भाई, अब बताओ, तो 9 दूनी 18 और भाई 8 दूनी 16, तो भाई 18 और 16 34। यानी भाई यहाँ पर कमी कितने की है भाई, 2 की यहाँ पर कमी है, तो यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, मेटल मेटल बॉन्ड। अब आपको ये तो पता है भाई कि कोबाल्ट कोबाल्ट में क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्ड होता है, ठीक है। देखो ये आपके आगे भी आएंगे, आगे हम आपको जब पढ़ाएंगे ना क्लस्टर कंपाउंड्स की थ्योरी, बोलो भाई, थ्योरी ऑफ क्लस्टर कंपाउंड्स, तो वहाँ भी आएंगे, लेकिन वहाँ पर हम इनकी ज्योमेट्री को ज़्यादा बेटर तरीके से भाई रैशनलाइज करेंगे वेड्स रूल के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर अब आप इनको भाई सिंपली आपको याद करना पड़ेगा कि कोबाल्ट कोबाल्ट आगे आपको ये। अब मैं आपको बताऊँ, सॉलिड फेज में अलग होता है ये, और सॉल्यूशन फेज में इसकी इसकी भी स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग होती है, ठीक है बात। तो आप ये देखो भाई, ये बताओ क्या है आपके पास, एक तो आपके पास भाई ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है बात, अरे बोलो भाई, अच्छा बताओ कोबाल्ट टू CO8 की बताओ ज्योमेट्री कैसे होगी, एक का तो बताओ क्या है हमारे पास, D3 D सिमेट्री, एक मेट और भाई जीरो ब्रिजिंग कार्बोनाइल, ठीक है बात। और एक बताओ हमारे पास क्या बताओ ये, अरे भाई सॉलिड फेज में तो कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला होगा, और सॉल्यूशन फेज में कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो बताओ कोबाल्ट, तो यहाँ बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, D3D। बताओ भाई मैंने ऐसे कैसे बोल दिया इसकी D3D होगी,
क्योंकि ये तीन तो क्या है, ये कैसे भाई, देखो ऐसे ये कि भाई यहाँ पर क्या है, एक दो और तीन, मान ली यहाँ पर क्या कौन है, कोबाल्ट कोबाल्ट, और यहाँ पर क्या है, एक दो और तीन, और ये क्या होता है भाई, अब ये लेकिन जो ये तीन ये है ना, पहले तो ये क्या है, कार्बोनिल कोबाल्ट कोबाल्ट कार्बोनिल, अब इसके ऊपर जो तीन है ट्रायंगल में, इसके जो ट्रायंगल में तीन है वो आपस में क्या है, स्टैगर्ड, वो आपस में क्या है भाई, स्टैगर्ड है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो बताओ इसकी सिमेट्री क्या है, इसकी डी थ्री डी सिमेट्री आएगी ना, और एक बताओ हमारे पास क्या इसका भाई, एक इसकी ये फेज भी होती है, ये सॉलिड फेज में होती है, तो क्या हमारे पास ये कोबाल्ट टू सीओ एट, तो यहां पर दो बताओ क्या होते हैं हमारे पास भाई, दो हमारे पास क्या, तीन तो हमारे पास क्या है, ये देखो ये क्या है, तो एक कोबाल्ट के पास क्या तीन ऐसे, एक कोबाल्ट के पास क्या तीन भाई, अरे भाई एक कोबाल्ट के पास तीन क्या है, एक कोबाल्ट के पास तीन क्या है ऐसे, नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई ये तीन इसके पास है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं बताओ भाई, एक्लिप्स्ड, ये तीन आपस में क्या होते हैं बताओ भाई, एक्लिप्स, लेकिन कोबाल्ट, लेकिन अभी मत कही भाई, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, डी थ्री एच नहीं, क्योंकि बीच में दो सीओ क्या होते हैं, ब्रिजिंग में, क्या होते हैं भाई, ब्रिजिंग में, ओके, तो बताओ हमारे पास कौन सी आ गई, तो ये दो सीओ, और ये जो है ये अगर मान लिया ये क्या है, ये क्या है भाई, बोर्ड के प्लेन से बिलो, ये क्या है अबो, तो ये क्या बोर्ड के प्लेन में, तो ये इन दोनों के बीच में पड़ता है, नहीं है ना आपको ये, अब कितना सिंपल तो है, तीन है देखो यहाँ पर कौन है, एक कोबाल्ट यहाँ है, तो तीन ये है और तीन हमारे पास ये है, ठीक है, ओके, तो तीन हमारे पास ये और तीन हमारे पास ये हो गए ना, से ये तीन तो आपस में क्या है, एक्लिप्स, ये तीन और ये तीन आपस में क्या है, एक्लिप्स है, अब ये कोबाल्ट है जो इनके ऊपर ऐसे लगे हुए, नहीं आएगा आपको, अरे दो ऐसे ब्रिजिंग में, ओके, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, सी टू वी, क्या होता है, सी टू वी, नहीं आएगा आपको, अब बताओ भाई, और हमारे पास बताओ क्या होते हैं, एफ ई टू सी ओ नाइन, अब बताओ भाई एफ ई टू सी ओ नाइन में क्या आएगा हमारे पास, एफ ई टू सी ओ नाइन में हमारे पास बताओ कितने आएंगे भाई, कितने मेटल मेटल बॉन्ड आएंगे एफ ई टू सी ओ नाइन में, बताओ एफ ई टू सी ओ नाइन में कितने मेटल मेटल बॉन्ड आएंगे हमारे पास, बोलो भाई 18 दूनी 36, हमको भाई इलेक्ट्रॉन्स के, हमको भाई, अरे एक के पास कितने होते हैं हमारे पास, इसके पास एक आयरन के पास क्या होते हैं, आठ, आठ दूनी 16 और नौ दूनी 18, 18 16 भाई 34, 18 दूनी 36 हमको चाहिए थे, हैं 34, रहे कितने, दो की कमी है ना, एक क्या आएगा मेटल मेटल बॉन्ड, यानी यहाँ पर दोनों आयरन के बीच में क्या होगा, यानी आयरन के बीच में एक तो क्या होगा भाई, आप ये स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लगा रहे हो, एक तो क्या होगा यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड, अब बताओ जो बाकी हैं वो बताओ कैसे आएंगे, अब एक आयरन के ऊपर जो ये तीन कार्बोनाइल है, क्या ये कार्बोनाइल और ये कार्बोनाइल आपस में क्या है, एक्लिप्स्ड, अरे बोलो भाई क्या ये कार्बोनाइल और ये कार्बोनाइल भाई आपस में एक्लिप्स्ड नहीं, क्या ये तीन कार्बोनाइल हैं जो इसके ऊपर टर्मिनल, और ये तीन क्या टर्मिनल, ये आपस में क्या होंगे, एक्लिप्स्ड, लेकिन जो बीच के तीन हो ये क्या होंगे, इन तीनों के स्टैगर्ड, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, मतलब ये तीन यानी आयरन आयरन, इस आयरन के तीन क्या है ये ऐसे, इसके तीन क्या है ये आपस में क्या है, एक्लिप्स्ड, लेकिन इनके बीच में, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, अरे ये तो ऐसे हो गए तीन और तीन, अब ये क्या हो गया हमारे पास, तो बीच में तीन क्या है, ब्रिजिंग में, नहीं समझे बात, तो आप ऐसे मानो कि टर्मिनल वालों की दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, एक्लिप्स्ड, और बीच वाले जो तीन क्या है ब्रिजिंग में, उनकी ट्रायंगल क्या है, इन दोनों एक्लिप्स के स्टैगर्ड, आ गया ना आपको ये, ठीक है भाई, तो इसका बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, डी थ्री एच, और एक बताओ क्या होता है भाई, एक हमारे पास क्या होता है, एम टू सी ओ टेन, भैया आपने पढ़ा होगा ना एम एन टू सी ओ टेन, अरे भैया क्या होता है हमारे पास एम एन टू सी ओ टेन, लेकिन ध्यान रखियो एम एन टू सी ओ टेन हो चाहे टी सी सी ओ टेन हो चाहे क्या हो आपके पास आर ई सी ओ टेन, सभी की ज्योमेट्री क्या होती है, बिल्कुल सभी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी ही होती है, ठीक है, तो बताइए क्या होती है एम एन टू सी ओ टेन कैसा होगा, एम एन टू सी ओ टेन या आर ई सी ओ टेन या टी सी सी ओ टेन, बताओ क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पर कौन होता है मैगनीज, इस मैगनीज से क्या जोड़ो एक सी ओ,
यहां पर क्या क्या बनाओ, मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड यहां का जोड़ो भाई सीओ, तो कितने कार्बोनिल आगे हमारे पास, दो आगे रहे, कितने हमारे पास आठ। अब चार जोड़ दो इसके ऊपर, चार जोड़ दो भाई इसके ऊपर, लेकिन जो चार आपने इसके ऊपर जोड़े हैं, ये चार आपने कैसे जोड़ दिए भाई, तो क्या गया मेरे पास कार्बोनिल मैग्नीज मैग्नीज कार्बोनिल। अब चार आपने ऐसे जोड़ दिए, तो इसके ऊपर चार ऐसे जोड़ो, मतलब ये यानी कि इन दो का ये जो चार है ना कार्बोनिल, इन चार कार्बोनिल का जो स्क्वायर बनेगा वो स्क्वायर क्या होना चाहिए भाई, इसके चार कार्बोनिल के स्क्वायर क्या होना चाहिए, स्टैगर्ड। नहीं आ गया आपको? तो कार्बोनिल मैग्नीज मैग्नीज कार्बोनिल, इस पर आपने क्या जोड़ दिए, चार कार्बोनिल, इस पर आपने क्या जोड़ दिए, चार कार्बोनिल, लेकिन जो चार कार्बोनिल आपने इसके ऊपर जोड़े हैं वो चार क्या होंगे आपस में, इसके चार, इसके चार क्या होंगे, मान लीजिए इस मैग्नीज के क्या है कार्बोनिल मैग्नीज, अब इसके ऊपर ही मानो भाई इसके ऊपर ये है चार, तो इसके ऊपर कौन से होंगे, ऐसे स्टैगर्ड होंगे। नहीं है आपको? तो एक तो हमारे पास क्या बनेगी, लीनियर चेन, कार्बोनिल मैग्नीज मैग्नीज कार्बोनिल, अब चार इसके ऊपर और चार इसके ऊपर, चार इसके ऊपर इस प्लेन में, चार इसके ऊपर ऐसे भाई। नहीं आया क्या तकरीबन? अरे बोलो भाई, और उनका आपस में क्या कर दियो, स्टैगर्ड। आया कि नहीं आया आपको? ठीक है भाई, तो ऐसी ज्योमेट्री बताओ भाई, ऐसी स्ट्रक्चर किसकी होती है, क्या ऐसी स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ भाई इसी की होती है, एम एन टू सी ओ टेन की ना, टी सी सी ओ टेन की भी यही होती है, आर ई सी ओ टेन की भी ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। अब बताओ भाई पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स का मीनिंग क्या होता है, बताओ, जहां पर एक से, सॉरी यहां पर दो से क्या भाई ज्यादा, अगर सिर्फ एक ही क्या है मेटल सेंटर कार्बोनिल कंपाउंड में, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो न्यूक्लियर। अगर दो क्या है मेटल सेंटर, उसे हम क्या बोलेंगे, डाई न्यूक्लियर। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो ना भाई, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। तो बताओ इसमें भाई पहला पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल को तो कौन से, M3CO12। तो ध्यान रखियो OS3CO12 भी होगा और RU3CO12 भी होगा, तो ये बताओ कैसा होता हमारे पास। आप एक काम करो, आप एक बारी OS3CO12 देखो, आप OS3CO12, तो अगर भाई OS3CO12 है तो ओसमियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बताओ, आठ, तो आठ दिया 24 प्लस 12 दूनी 24 दूनी 48 भाई, तीन मेटल सेंटर को चाहिए कितने थे, 18 दिया 54 है, कितना काउंट 48, कमी कितने की है 6/2, कितने आ गए हमारे पास, तीन के आ गए मेटल मेटल बॉन्ड। तो बताओ भाई इसकी ज्योमेट्री आप कैसे इमेजिन करोगे, इसकी ज्योमेट्री को भाई आपको आगे ज्योमेट्री प्रेडिक्शन आपको आगे सिखाई जाएगी बाकायदा, किसमें, क्लस्टर थ्योरी में, ठीक है, थ्योरी ऑफ क्लस्टर कंपाउंड्स के अंदर। लेकिन भाई यहाँ पर आपने जस्ट आइडिया लगाना पड़ेगा कि आप सिमेट्रिकली तीन मेटल सेंटर को तीन बॉन्ड से कैसे जोड़ सकते हो, क्या बना के, एक ट्रायंगल बना के, क्या बना के एक, अरे भाई यहाँ पर कुछ क्या जोड़ दो, ओस्मियम ओस्मियम और ओस्मियम, और भाई हर एक के साथ क्या क्या जोड़ दो, अरे बोलो भाई हर एक के साथ आप क्या जोड़ दो बताओ, क्या था OS, क्या था M3CO12 था ना भाई, तो चार इस पे, चार इस पे और चार इस पे जोड़ दिए, ये चार कैसे बताओ, और ये कैसे भाई, अगर ये हमारे पास ऐसे है ना, अगर ये हमारे पास भाई ऐसे है ना इस टाइप से, ठीक है, तो ऐसे और दो ऐसे, और इस कॉर्नर पे क्या आएगा, दो ऐसे और दो ऐसे। नहीं आएगा आपको? हर एक के ऊपर ऐसे जोड़ दो, दो तो ऊपर नीचे और दो ऐसे प्लेन के अंदर, नहीं है आपको, तो चार तिया क्या हो गया, हो गए ना बारह पूरे। तो ऐसी स्ट्रक्चर बताओ किसकी होती है, इन कंपाउंड्स की। एक क्या होता हमारे पास, अरे ट्राई न्यूक्लियर में Fe3CO12। अब बताओ Fe3CO12 कैसा होएगा बताओ, Fe3CO12 कैसे बनाओगे आप, इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, देखो मैं आपको बताऊं भाई स्ट्रक्चर के लिए आपको पहले तो आपको नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकाल लेने हैं, ठीक है बात, बताओ Fe3CO12 में एक आयरन के पास हमको चाहिए कितने, 18 थिया 54 हमको रिक्वायर्ड है, एक आयरन के पास क्या होते हैं 8, तो 8 थिया 24, 12 दूनी 24, 48 क्या हो गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन, कमी कितने की है 6 की, तो 2/6 3 क्या आ गया मेटल मेटल बॉन्ड।
यानी यहाँ पर वही मेटल मेटल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या होते हैं, तीन ही होते हैं। जैसे क्या था, ओ एस थ्री सी ओ ट्वेल्व में था, लेकिन ओ एस थ्री सी ओ ट्वेल्व में क्या था भाई, तीनों ऑस्मियम क्या थे बताओ, तीनों ऑस्मियम क्या थे बताओ भाई, एक ट्राइंगल में थे ना, और भाई हरेक के ऊपर क्या थे, हरेक के ऊपर क्या थे, दो दो कार्बोनिल्स। अब की बारी क्या है, तीन आयरन फिर से क्या है ट्राइंगल में, तीन आयरन फिर से क्या है भाई ट्राइंगल में। अब देखो भाई, देखो ये आयरन और ये आयरन और ये आयरन तो क्या आपस में ट्राइंगल में नहीं है क्या, अरे ये वाला और ये वाला, लेकिन दो तो बताओ क्या है, बोलो भाई। तो देख, अगर इसको आप ऐसे देखो भाई, इसको आप एफ ई टू सी ओ नाइन की तरह देखो, कैसे भाई, एफ ई टू सी ओ नाइन की तरह। तो ये एफ ई हो गया और ये एफ ई हो गया, तो तीन सी ओ और तीन सी ओ आपस में क्या है, एक्लिप्स, और ये दो सी ओ क्या है, ब्रिजिंग वाले, इन दो के बीच में है ना भाई। अरे अब ये यहां पर भाई एफ ई टू, एफ ई टू सी ओ नाइन में यहां भी क्या करता, एक सी ओ आया करता ना। अरे भैया आप ये बताओ, एफ ई टू सी ओ नाइन में क्या था, क्या यहां पर एक भाई, यहां पर तीन सी ओ नहीं थे, तो यहां पर एक सी ओ उठा के यहां पर क्या लगा दो, एफ ई लगा दो भाई, और उस एफ ई से फिर क्या जोड़ दो, चार फर्दर कार्बोनिल्स। नहीं आया क्या आपको, ऐसी इसकी ज्योमेट्री होती है। और आपको हमें कैसे मालूम पड़ेगा कितने ब्रिजिंग कितने टर्मिनल, तो भैया तो मैं आपको बताऊं, एक्सपेरिमेंटली मालूम पड़ता है कि इसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है बात। अदरवाइज आपको भाई स्ट्रक्चर याद करनी पड़ती है, आप नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकाल सकते हो, और आप काफी हद तक ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हो, किसके जरिए, जब आप क्या पढ़ोगे, क्लस्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ क्लस्टर कंपाउंड्स, वेड्स रूल्स, या पॉलीहेड्रल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, ओके। लेकिन फिलहाल तो भाई आपने याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना बात। और बताओ फिर हमारे पास क्या है, टेट्रा न्यूक्लियर। अब आपने किस तरह के मेटल कार्बन स्टडी करने, बताओ क्या आपने क्या पढ़ लिए हैं, ट्राई न्यूक्लियर। अब क्या पढ़ो भाई, पॉली न्यूक्लियर का मेटल कार्बोनिल्स में नेक्स्ट नंबर किसका है, टेट्रा न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, इसमें सबसे पहला नंबर आता भाई आई आर फोर सी ओ ट्वेल्व का। आपको पता है ये जो कंपाउंड है ये नेट में आया हुआ पार्ट में चार नंबर में, कि बताओ भाई आई आर फोर सी ओ ट्वेल्व में कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, ये क्वेश्चन रखा है, ठीक है। ये भाई यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में भी आ रखा है, पीएचडी एंट्रेंस में, बताओ आई आर फोर सी ओ सिर्फ ही पूछ रखा है कितने मेटल मेटल बॉन्ड आएंगे, तो बताओ एक आई आर के पास क्या होते हैं, एक आई आर के पास क्या होते हैं भाई, कितने, नौ, तो नौ चौक 36, तो आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इसीलिए मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो 9 चौक 36 प्लस 12 दूनी 24, 36 और 24 भाई 60, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन काउंट क्या भाई 60। अब चार मेटल सेंटर को रिक्वायर्ड कितने होते हैं, 18 चौक 72 रिक्वायर्ड होते हैं, है 60, कितने की कमी है 12 की, तो 12 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, 6 मेटल मेटल बॉन्ड से, तो 6 मेटल मेटल बॉन्ड चाहिए और चार सेंटर जोड़ने हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे पास क्या, बताओ भाई क्या बना के, एक टेट्राहेड्रल फ्रेम बना लो भाई, यानी कि आई आर आई आर आई आर और भाई आई आर, और इन फिर हर एक कॉर्नर पे क्या जोड़ दो भाई, भाई हर कॉर्नर फिर आप क्या अटैच कर दो, कार्बोनाइज, तीन तीन कार्बोनाइज, बताओ मेरे पास क्या गया, आ गया ना आई आर फोर सी ओ ट्वेल्व, ऐसी ज्योमेट्री, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अब सिमिलरली अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एम फोर सी ओ ट्वेल्व ना होके, सॉरी आई आर फोर सी ओ ट्वेल्व ना होके, मेरे पास क्या होता, कोबाल्ट फोर सी ओ ट्वेल्व या रोडियम फोर सी ओ ट्वेल्व, तो भाई आप देखो, मैं आपको बताऊं नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड तो आप निकालोगे, जैसे मेरे पास क्या हो, बताओ मेरे पास हो कोबाल्ट फोर सी ओ ट्वेल्व हो मेरे पास भाई, मेरे पास क्या हो कोबाल्ट फोर सी ओ, आप आइडिया ले लियो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड से कि फ्रेम कैसा बनना है, आप फ्रेम का आइडिया जरूर ले सकते हो भाई। अगर सिर्फ एक मेटल में, अगर दो सेंटर है, एक मेटल मेटल बॉन्ड क्या बनेगा, लाइन, तीन सेंटर है, तीन मेटल मेटल बॉन्ड क्या बनेगा, ट्राइंगल फ्रेम, अरे मेटल वाला फ्रेम भाई, चार मेटल सेंटर है और छह बॉन्ड है, तो क्या हुआ भाई, टेट्राहेड्रल फ्रेम बनेगा। तो बताओ कोबाल्ट फोर, तो बताओ कोबाल्ट फोर सी ओ ट्वेल्व में कैसा फ्रेम बनाओगे आप, एक कोबाल्ट के पास क्या होते हैं, नौ, नौ चौक 36 और 24 भाई 12 कार्बोनिल, 24 36 और 24 भाई 60, चाहिए कितने 18, यहां भी क्या है 6 क्या है हमारे पास, अरे भाई यहां पर, अरे भाई 9 चौक 36 और 24 भाई 60,
बहत्तर माइनस साठ, अठारह चौक बहत्तर चाहिए हमको इलेक्ट्रॉन भाई, ठीक है। बाई टू कितना आ गया मेरे पास, छह मेटल मेटल बोर्ड, चार सेंटर है, छह बोर्ड है। तो फ्रेम आपने कैसा बनाना है यहाँ पर भाई, फ्रेम आपने कैसा बनाना, तो टेट्राहेड्रल फ्रेम तैयार होएगा कैसा भाई, यानी आई आर फोर की, आई आर फोर सी ओ ट्वेल्व की तरह है। फ्रेम तो कैसा बनना, टेट्राहेड्रल मतलब हर एक कॉर्नर पे क्या अटैच कर दो एक आई आर, और क्या बना दो ये, और एजेस ऑफ दिस टेट्राहेड्रल क्या बना दो, रियल केमिकल बॉन्ड्स। लेकिन यहां पर कार्बोनाइल्स का अटैच करने का तरीका क्या होता है डिफरेंट, कैसे बताइए भाई, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ने क्या बताया कि यहां पर क्या होता है, यहां पर तो हर एक के पास क्या थे, तीन तीन, यहां क्या होता है, यहां पर तो सारे क्या थे टर्मिनल, यहां पर क्या भाई इसके पास तो क्या है तीन टर्मिनल, लेकिन बाकी के सबके पास क्या बताओ भाई, दो टर्मिनल, दो टर्मिनल, दो टर्मिनल, और तीन क्या बताओ ब्रिजिंग, तीन क्या हमारे पास भाई, तीन हमारे पास ब्रिजिंग है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो भाई, ओके आप ये देखो भाई, नजर आए आपको ऐसे, तो यहां क्या हो जाएगा, एक तो ब्रिजिंग यहां हो जाएगी, एक यहां, और एक कहां हो जाएगी भाई, यहां हो जाएगी, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, ठीक है। तो भाई ये तो आपको एक्सपेरिमेंटली मालूम पड़ेगा, थोड़ा बहुत आप इसको भाई प्रिडिक्ट कर सकते हो क्लस्टर थ्योरी से, आ गया आपको ये, तो ध्यान रखियो भाई कि आपसे कोई ये अगर सिर्फ आपसे क्या पूछ ले कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, वो तो आप निकालोगे, फ्रेम कैसा होगा वो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपसे क्या पूछ ले कितने ब्रिजिंग कितने टर्मिनल कार्बोनाइल, तो वो आपको याद करना पड़ेगा भाई स्ट्रक्चर, समझ गया बात। तो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई, जितने भी क्लस्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं मेटल कार्बोनाइल्स के ऊपर, वो सारे मेटल कार्बोनाइल्स मैंने यहाँ पर ऐड कर रखे, ठीक है बात, ओके। तो आप इनको बड़ी आसानी से टैकल कर सकते हो, ठीक है ना बात। तो याद रखो भाई आर एच फोर सी ओ ट्वेल्व पूछ ले, तो इसमें भी क्या होंगे, तीन क्या होंगे ब्रिजिंग, और बाकी सारे क्या होंगे, यानी बारह में से तीन क्या होंगे ब्रिजिंग, और नौ क्या होंगे टर्मिनल, ठीक है। और बताओ, अब बताओ आप ये बताओ भाई, बताओ आर ई फोर सी ओ सिक्सटीन टू नेगेटिव, इसमें पता कहेंगे पांच कहेंगे यहां पर मेटल मेटल बॉन्ड्स, अरे भाई आर ई फोर सी ओ सिक्सटीन टू नेगेटिव में आपको फ्रेम कैसे बनाएंगे भाई, आपके दिमाग में क्या आएगा कि इसका फ्रेम आप कैसे तैयार करोगे, तो बहुत सिंपल है, हमने क्या बोला है आर ई फोर सी ओ सिक्सटीन टू नेगेटिव, ठीक है। तो आर ई फोर सी ओ सिक्सटीन टू नेगेटिव, तो एक आर ई के पास भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सात भाई, मैग्नीज के नीचे होता है ना नियम, मेरे ख्याल से भाई इजंट इट, तो भाई एक रे नियम के पास तो कितने आएंगे, सात आ गए ना, तो सात चौक अट्ठाईस प्लस छः दूनी बारह प्लस दो बाहर से आ रखे, तो क्या है मेरे पास अट्ठाईस और बारह, सॉरी सिक्सटीन भैया बत्तीस, अरे आई फोर सिक्सटीन, तो अट्ठाईस और बत्तीस, अट्ठाईस और बत्तीस भाई साठ और दो बासठ, चाहिए कितने हमको चार सेंटर के अकॉर्डिंग, बहत्तर इलेक्ट्रॉन, अठारह चौक बहत्तर भाई, जितने मेटल सेंटर हो मल्टीप्लाई करोगे इससे अठारह से भाई, उतने चाहिए, बेहतर चाहिए हैं कितने बासठ, तो यहां क्या आएगा मेरे पास पांच मेटल मेटल बॉन्ड, तो आपको भाई पांच मेटल मेटल बॉन्ड का फ्रेम कैसे बनाते हैं, चार सेंटर का, चार सेंटर छह बॉन्ड का फ्रेम कैसे बनता है टेट्राहेड्रल, लेकिन चार सेंटर और, लेकिन चार सेंटर और पांच बॉन्ड का फ्रेम कैसे बनता पता आपको, अरे बोलो भाई, तो ये होगा आपके पास भाई, अरे इस टाइप का, समझे बात भाई, अरे बटरफ्लाई टाइप, क्या बटरफ्लाई टाइप, ठीक है। तो क्या हो गया मेरे पास एक दो तीन चार पांच, तो मेरे पास क्या आ गए बॉन्ड, नहीं आ गया आपको, तो बताओ कैसी ज्योमेट्री इसकी भाई, आ गया ना आपको नजरिए, तो एक दो तीन चार और पांच, ये ज्योमेट्री होती है, ये याद कर लियो भाई कि कितने यहां पर क्या है टर्मिनल और ब्रिजिंग, यहां पर दो, यहां पर सारे क्या है, यहां पर सारे ही क्या है भाई, बताओ क्या पर सारे टर्मिनल, अब बताओ क्या है, अगर इसकी जगह क्या होता ओस्मियम फोर सी ओ सिक्सटीन होता, अगर हमारे पास क्या होता ओस्मियम फोर सी ओ सिक्सटीन, तो बताओ ओस्मियम फोर सी ओ सिक्सटीन में आप क्या पढ़ोगे, ओस्मियम फोर
CO16 में, तो एक ओजमियम के पास क्या होते हैं 8, तो 8 चौक 32 प्लस 16 दूनी 32, तो बताओ मेरे पास क्या 64 हमारे पास क्या भाई इलेक्ट्रॉन, 16 दूनी 32, 8 चौक 32। अब चार मेटल सेंटर को भाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कितने, 18 चौक 72, 72 माइनस 64 बाई 2 कितने आए 8/2, यानी चार यहाँ पर क्या है मेटल मेटल बॉन्ड, यानी भाई आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो हमारे पास चार क्या है भाई मेटल मेटल बॉन्ड, तो आप ये बताओ भाई चार अगर क्या है मेटल मेटल बॉन्ड्स और चार ही सेंटर हैं तो आप कैसे जोड़ोगे, तो भाई इनको जोड़ने का तरीका होता है पकर्ड शेप, कैसे भाई, जैसे आप क्या आपके पास क्या होता है बताओ भाई साइक्लोब्यूटेन, जैसा आपके पास क्या होता है साइक्लोब्यूटेन ऐसा होता है क्या, क्या साइक्लो ऐसा होता है क्या साइक्लोब्यूटेन, क्या साइक्लोब्यूटेन ये होता है क्या, नहीं साइक्लोब्यूटेन ऐसा नहीं होता भाई बिल्कुल भी, बताओ क्या होता है, काम करो इन दो कॉर्नर को ऊपर उठा दो, इन दो कॉर्नर को यहीं रखो तो वास्तव में साइक्लोब्यूटेन कैसा होता है बताओ भाई, ऐसा होता है देखो यहाँ पर कौन है कार्बन है ऐसे, अरे बोलो भाई ऐसे और ऐसे, मतलब अगर मैं भाई इसको क्या बना था प्लेनर, तो प्लेनर कैसे बनता है 90 पे, ये क्या है भाई प्लेनर क्या होता है ये 90 ऐसे, अरे स्क्वायर बन गया हमारे पास, आपको स्क्वायर कैसे, अरे भाई मैंने स्क्वायर को ऐसे कर दिया है, तो आप ऐसे मानते हो क्या, लेकिन भाई ऐसा होता है यहाँ पर ही ये ऐसे होते हैं, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो भाई यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है क्या कि दो आपने, अरे भाई दो कॉर्नर आपने क्या कर दिए, आप उसको साइड से देख रहे हो, दो कॉर्नर नीचे दो कॉर्नर क्या कर दिए आपने ऊपर कर दिए, नहीं आपको, तो यहाँ पर क्या जोड़ दो बताओ भाई, बताओ भाई ओस्मियम 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 और ओस्मियम, तो कितने हमारे पास मेटल मेटल बॉन्ड आ गए चार, नहीं आ गया आपको, और फिर भाई इसके ऊपर क्या जोड़ दियो हमारे पास ये बताओ टर्मिनल कार्बोनेस, ओके अब बताओ क्या हमारे पास भाई ओस्मियम फॉर CO15, इसमें भी बताओ मेरे पास क्या आएगा, अरे भाई जैसे इसमें क्या था, जैसे क्या था हमारे पास ये Re4CO16 2- है ना, अब बताओ क्या हमारे पास ओस्मियम फॉर CO15, ये भी कैसा होता है, इसमें क्या आएंगे पांच क्या आएंगे मेटल मेटल बॉन्ड्स, तो पांच मेटल मेटल बॉन्ड्स आए और चार सेंटर है, तो आप क्या करो भाई आप बटरफ्लाई शेप बनाओ क्या, अरे एक अरे भाई चार तो ये जोड़ दिया आपस में बॉन्ड से और एक भाई बीच में बॉन्ड बना दिया, नहीं आएगा आपको, अब बताओ ओस्मियम फॉर CO14 होता तो आप क्या करते, ये बताओ भाई ओस्मियम फॉर CO14 होता, ओस्मियम फॉर CO14 बताओ क्या आएगा, ओस्मियम फॉर CO14 बताओ भाई, तो यहां पर भाई चार मेटल सेंटर को इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कितने हैं अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 चौक 72 यहां पर क्या रिक्वायर्ड हैं कितने, चार ओस्मियम क्या देंगे 4 8 32 और भाई अरे अब बताओ भाई 14 हमारे पास क्या है CO, तो भाई 14 28 बोलो भाई और 32 और 28 वो तो क्या हुआ 60, तो 72 माइनस 60 बाई 2 तो क्या मेरे पास, यानी भाई यहां भी क्या है हमारे पास 6 मेटल मेटल बॉन्ड, यानी भाई यहां भी फ्रेम हमने कैसा तैयार करना है बताओ, अरे भाई टेट्राहेड्रल क्या बनेगा हमारे पास यहां पर फ्रेम, अरे भाई फ्रेम तो यहां भी बताओ कैसा बनेगा टेट्राहेड्रल, लेकिन ये दिक्कत है बताओ क्या, टेट्राहेड्रल फ्रेम तो बन गया लेकिन एक दिक्कत है बताओ क्या भाई, हमारे पास है कितने ये 14 भाई, अब 14 कार्बन लो आपने भाई कैसे जोड़ इनमें से, भाई इनमें से कितने क्या हैं टर्मिनल और कितने क्या हैं ब्रिजिंग, ये आपको कैसे मालूम पड़े, तो यहां पर आपने भाई चार आपने कहां भेजने बताओ भाई, चार आपने कहां भेजने हैं ब्रिजिंग में, आप बताओ कितने एज होते हैं टेट्राहेड्रा में, एज कितने होते हैं बताओ भाई 6, नहीं बताओ आपको, अरे भाई 1 2 3 4 और 5 और 6 एज नहीं क्या, तो इसमें से 2 एज एक ही एज छोड़ दो और एक ही एज छोड़ दो, क्या 2 अपोजिट एजेस छोड़ के सभी एजेस पे क्या बना दो ब्रिजिंग कार्बोनाइल, नहीं है आपको भाई, तो भाई 14 में से 4 तो कहां गए बताओ ब्रिजिंग में और 10 कहां चले गए टर्मिनल, कहां गए भाई, नहीं आना आपको ये, तो अभी तक भाई हमने एक बात देखी कि हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल
अरे भाई, इनकी स्ट्रक्चर पता करने में हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल काफ़ी हद तक कामयाब है ना, क्योंकि हमको क्या बता पा रहा है, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स। और हमको पता भाई, अगर दो सेंटरों एक बॉन्ड हो लीनियर, तीन सेंटरों तीन बॉन्ड हो ट्राइंगल, अरे फ्रेम, तीन चार सेंटरों छह बॉन्ड हो टेट्राहेड्रल, चार सेंटरों पांच बॉन्ड हो बटरफ्लाई फ्रेम, इजंट इट, चार सेंटरों चार बॉन्ड हो पकर्ड फ्रेम, नहीं आएगा आपको भाई? और वो बाद में देख लेंगे कितने टर्मिनल कितने ब्रिजिंग। लेकिन अब मैं एक भाई ऐसा कंपाउंड लिखूंगा, ठीक है बात, ओके, कि भाई उसका आंसर नहीं आएगा। अब बताओ, देखो ये क्या हमारे पास M6CO16, यानी कि भाई चाहे M आप क्या रखो, कोबाल्ट, चाहे M बताओ आप यहाँ पर क्या रखो, रोडियम, यानी कि कोबाल्ट 6CO16 भी ऐसी ज्योमेट्री रखेगा और रोडियम 6CO16 भी ऐसी ही ज्योमेट्री रखेगा। तो बताओ भाई आपके अकॉर्डिंग कितने बॉन्ड आने चाहिए कोबाल्ट 6 भाई, है तो क्या पक्की बात, ये पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, क्या ये पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, बताओ क्या कोबाल्ट 6 CO16 ना, अरे क्या था कोबाल्ट 6 CO16। तो आप बताओ भाई आपके अकॉर्डिंग भाई यहां पर कैसा फ्रेम बनना चाहिए। आप एक काम करें भाई, पहले मेटल मेटल बॉन्ड निकाल ले क्या भाई, मेटल मेटल बॉन्ड्स बताओ कितने आएंगे, ना नहीं आप बताओ तो बताओ भाई, ना नहीं आप बताओ, अगर छह क्या है मेटल मेटल बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड कितने हैं, 18 का पार्ट आता है पक्का, 18 छिक्का, वेरी गुड, ठीक है। अब बताओ भाई पार्ट याद करके आए हुई, नहीं तो देख लो क्लास में रिकॉर्डिंग हो जाएगी सारी है, ठीक है, ये भाई हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा कि स्टूडेंट को पहाड़े नहीं आते, कई पहाड़े मुझे भी नहीं आते भाई, वो भी रिकॉर्ड होता रहता है, ओके। तो बताओ 18 छिक्का 108 हो गए ना। अब बताओ भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए 18 छिक्का, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग मुझे 108 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन भाई हमारे पास हैं कितने, कोबाल्ट के पास होते कितने हमारे पास, 9, तो 9 छिक 54 तो क्या हो गए, तो 6 कोबाल्ट ने क्या दिए 54 और 16 कार्बोनाइल क्या देंगे, 16 कार्बोनाइल 32, तो 54 और 32 भाई 86, तो आपके अकॉर्डिंग 108 - 86/2, याद रखियो भाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल की भी क्या होती है लिमिटेशंस। तो यहां बताओ भाई आपके अकॉर्डिंग कितने बॉन्ड आने चाहिए भाई, 108 - 86 क्या हमारे पास भाई 22/2 11, यानी 11 क्या, 6 सेंटर और 11 बॉन्ड, आपको भाई 6 सेंटर होते और 12 बॉन्ड होते ना तो भाई बिल्कुल अच्छा हो जाता है ना, क्यों कैसे, आप ये कहते भाई कि 6 सेंटर होते और 12 बॉन्ड होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम क्या करते भाई, हम ऑक्टाहेड्रल कॉर्नर पे क्या रखते, एक एक कोबाल्ट और भाई क्या होते 1 2 3 4, अरे भाई 4 एज ये हो गए, 4 ये हो गए और 4 ही बार हो गए ना 12 एज, तो आपको भाई ऑक्टाहेड्रल तो नहीं बनना चाहिए फ्रेम ना। लेकिन पता क्या होता है, इन 11 यानी कि 86 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद, यानी आपको एक्सपेक्टेड क्या है 11 बॉन्ड, अरे बोलो भाई नहीं समझे बात, लेकिन यहां पता बॉन्ड कितने बनते हैं 12, क्या भाई इसका फ्रेम होता ही कैसा है, यानी यहां पर भाई जितनी, यानी भाई यहां पर हमारे पास हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है भाई, हमको यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है 22 की, तो 22 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बना सकते हैं बताओ, सिर्फ 22 इलेक्ट्रॉन सिर्फ भाई कितने बॉन्ड तैयार कर सकते हैं 11, लेकिन यहां पर 22 इलेक्ट्रॉन 12 बॉन्ड बनाएंगे, समझ गए बात, इसलिए क्या बोलते हैं इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, यहीं से तो क्या शुरुआत होती है, अरे बोलो भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, जितने बॉन्ड एक्सपेक्टेड थे उससे क्या बनेंगे यहां पर ज्यादा बॉन्ड, तो इसका फ्रेम पता कैसे बनता है, तो भाई आप तो क्या बोलोगे कि हमने फ्रेम बनाना 11 बॉन्ड से, भाई फ्रेम बनेगा पर 12 बॉन्ड से ही बनेगा, ठीक है, तो क्या करना आपने भाई, यानी यहां पर क्या बनेंगे बोलो भाई, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आप बनेंगे भाई, ठीक, उससे तो फिर क्या हो जाएगा, उससे यहां पर भैया 22 इलेक्ट्रॉन 11 बॉन्ड की वजह क्या बनेंगे, 22 इलेक्ट्रॉन क्या बनेंगे 12 बॉन्ड्स, ठीक है बात,
वो कैसे बनते हैं आपको आगे पढ़ाया जाएगा, जब क्या पढ़ाएंगे आपको थ्योरीज ऑफ क्लस्टर कंपाउंड्स कि भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे काम करती है, नहीं आएगा आपको। लेकिन फिलहाल आप देखो भाई तो वो तो क्या गया हमारे पास ये, तो भाई हमने क्या किया, हमने इसके हर कॉर्नर पर क्या रख दिया, एक कोबाल्ट या रोडियम, और इसके हर एक फ्रेम हर एक फेस को फिर उसको ऑक्टाहेड्रा के हर एक फेस को आप क्या कर दें कैप्ड। क्या भाई कैप्ड का मतलब क्या है कि इसके इस फेस के ऊपर क्या जोड़ दें एक कार्बोनिल, और भाई एक कार्बोनिल बोलो भाई जादू मंत्र एक कार्बोनाइल, नहीं बता आपको पहले बड़ी, तो इसमें कितने फेस होते हैं आठ, आठ में से चार छह फेसेस सॉरी आठ में से चार फेसेस के ऊपर आप क्या लगा दो कार्बोनिल कैप कर दो, नहीं है ना आपको ये। तो आपको भाई किस तरह की अजीबो गरीब ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी बताओ, ऐसी कुछ आपको पहले पड़ा कुछ नहीं आया बताओ भाई, देखो है ना ये फ्रेम कैसा, ये फ्रेम अरे देखो ये तो क्या बन रखा है, चार तो हो गए प्लेन में एक ऊपर एक नीचे एम आ गई आपको, ये आ गया ना ये, ठीक है भाई। देखो इनको आप पढ़ोगे डिटेल्ड, लेकिन कहां पर भाई क्लस्टर कंपाउंड्स में, थ्योरी ऑफ क्लस्टर कंपाउंड्स, ठीक है फिलहाल तो इतना काफी है आपके लिए। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स की, भाई मेटल कार्बोनिल्स के अंदर बॉन्डिंग कैसे काम करती है, ठीक है बात। अब आपने ये पढ़ना है, तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली है मोनोन्यूक्लियर की, डाई न्यूक्लियर की, ट्राई न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर और इवन हेक्सा न्यूक्लियर। अब हम पढ़ते हैं बॉन्डिंग, तो मैं आपको बताऊं भाई मेटल कार्बोनाइल्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की दो थ्योरीज होती है, एक तो बताओ कौन सी थ्योरी होती है हमारे पास मेटल कार्बोनाइल्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की, हमारे पास क्या होती है दो थ्योरीज, एक तो कौन सी होती है, कौन सी भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक होती है हमारे पास भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मैं दोनों से भाई इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा, लेकिन ध्यान रखो भाई अगर आप नीतू अगर आप मेटल और कार्बोनाइल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, खुद कार्बोनाइल की बॉन्डिंग। क्या भाई अगर आपको कार्बोनाइल के अंदर ही बॉन्डिंग नहीं पता तो आप मेटल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग क्या खाक एक्सप्लेन करोगे, बोलो भाई इजंट इट। यानी हमको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा बॉन्डिंग विद इन द कार्बोनाइल लिगेंड इटसेल्फ, ठीक है कि भाई कार्बोनाइल के अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है। ओके तो भाई पहले हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से CO के अंदर बॉन्डिंग, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग। ओके तो पहले मैं एक बार पहले नहीं एक बार मैं कार्बोनाइल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता हूं किससे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। भाई मैंने आपको फिजिकल के में अब समझे आप कि हमने क्यों आपको पहले क्या पढ़ाई फिजिकल, क्योंकि भाई फिजिकल क्या है सबसे डिफिकल्ट और सबसे याद रखो जो सबसे डिफिकल्ट होता है वही सबसे क्या होता है इंपॉर्टेंट। भाई फिजिकल चारों स्ट्रीम में क्या है मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझे बात भाई। तो इसलिए मैंने आपको पहले क्या पढ़ाई थी फिजिकल, अब आपको वही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पता है, आपको एमओ थ्योरी पता है ना, तो हम इजीली टैकल कर लेते हैं। बताओ भाई तो कार्बोनाइल को आपने अगर टैकल करना है किससे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, तो पहले क्या लिखो आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बताओ भाई क्या हो गया। सो मैंने बोल दिया भाई क्या, मैंने क्या बोल दिया 1s2, तो सिर्फ वैलेंस शेल लिख लो कार्बन का, क्या हो गया 2s में क्या हो गए दो, और 2p में क्या है ये ना भैया, अरे भैया ये क्या बोल दो 2px, ये क्या बोल दो 2py, और ये क्या बोल दो 2pz। तो इसके 2px में एक है, 2py में एक है, 2pz क्या है एम्प्टी। अब लिखो आप भाई ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये क्या हो जाएगा इसके भी 2s में दो हैं, लेकिन इसके एक दो और तीन, तीन तो भाई पक्का है लेकिन एक और आएगा ना 2s2 2p4, तो वो एक में कहाँ रखूँ मैं बताओ भाई, आमतौर पर आप यहाँ रखते हो है ना, पहले पढ़ता ये, लेकिन भाई तीनों तीनों डिजनरेट हैं, तो हम अपनी भाई नमक स्वादानुसार इलेक्ट्रॉन सहूलियत के अनुसार भाई यहाँ रखो इसको। जैसे जैसे भाई सब्जी में नमक क्या होता है स्वादानुसार, ठीक है उसी प्रकार आपने ये इलेक्ट्रॉन भाई सहूलियत के अकॉर्डिंग अपने यहाँ रखना, ठीक है ओके कहीं रखो हमारी मर्जी भाई, तो हमने यहाँ रख दिया।
अब आप ये बताओ, अब आपने सीधे इनकी बाउंडिंग नहीं करनी है, सीधे आपने इनकी बाउंडिंग नहीं करनी, पहले बताओ क्या अभी बाउंडिंग पॉसिबल है क्या? बिल्कुल, लेकिन भाई वो क्या बोलते हैं, बाउंड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो आप एक काम करो, अब आप यहाँ पर क्या करो, पहले एसपी हाइब्रिडाइजेशन, क्या भाई आप यहाँ पर एसपी क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन। अब भाई मैंने एक्स को मैंने क्या मान रखा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, भाई मेरी मर्जी है, भाई मैंने एक्स क्या मान लिया, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। तो भाई एसपी हाइब्रिडाइजेशन कौन भाग लेगा, 2s और 2p एक्स, और 2py 2pz क्या रह जाएंगे पूजा, हाँ बताओ 2py और 2pz क्या रह जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग। अब बताओ भाई, अरे मतलब ये बॉन्डिंग भाग नहीं लेंगे, और यहां भी क्या करवाओ, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो जब कार्बन क्या करेगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो कितने हाइब्रिड बनेंगे, दो। तो ये क्या हमारे पास कार्बन, और ये क्या इसका एक हाइब्रिड, अरे ये क्या कार्बन, क्या इसका एक हाइब्रिड, ठीक है ना बात भाई, ये है कार्बन ये, और ये क्या इसका एक भाई हाइब्रिड। तो अरे भाई इसमें एसपी हो गया हाइब्रिडेशन, तो एक हाइब्रिड साइड हो गया, और एक हाइब्रिड कहाँ आएगा, इस साइड, क्योंकि भाई आपको पता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन में दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, दूसरे से एक्सोसी पे होते हैं, तो दूसरा हाइब्रिड हमारे पास कैसे आ गया, ऐसे, इजंट इट। अब आप ये बताओ भाई, सिमिलरली ये भी एक कार्बन, ये क्या है ऑक्सीजन, इसके पास भी क्या है एक हाइब्रिड और एक हाइब्रिड। लेकिन भाई कमाल देखो, यहाँ भी क्या हुई है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी क्या हुई है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन यहाँ पर जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन हुई है उसमें आपने इलेक्ट्रॉन कितने भरने, दो और एक तीन। तो ये मानो भाई कार्बन का ये तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो इस साइड के हाइब्रिड में क्या आ गया, लोन पेयर, और इस साइड के हाइब्रिड में क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ भी क्या आ गया, इस साइड वाले में एक, इसमें क्या आ गया, दो। तो आपको एक बात नजर आ रही है कि कार्बन और ऑक्सीजन के हाफ फील्ड हाइब्रिड क्या कर रहे हैं, आपस में फेस कर रहे हैं भाई दूसरे को, नहीं समझे बात, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के हाफ फील्ड हाइब्रिड क्या कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे क्या, नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी यहां पर इजीली क्या बन जाएगा, बॉन्ड। अरे बोलो भाई, हाफ फील्ड का ओवरलैप हाफ फील्ड से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, अरे भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, हाफ फील्ड ओवरलैप करता है हाफ फील्ड से, और क्या बनता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इजंट इट। और यहां बताओ अब इस कार्बन के पास क्या बचा हुआ, एक नीतू बताओ, इस कार्बन के पास बताओ क्या बचा हुआ, एक 2py हाफ फील्ड है, नहीं है ठीक है, ये रहा इसका हाफ फील्ड, और इसका 2py क्या है, हाफ फील्ड, ए भी हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड और हाफ फील्ड क्या करते हैं, ओवरलैप, कितने बॉन्ड हो गए, तो एक तो क्या बन गया भाई, इसके हाफ फील्ड हाइब्रिड और इसके हाफ फील्ड हाइब्रिड ने बॉन्डिंग का क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड, और इसके 2py ने इसके 2py से बॉन्ड करके हाफ फील्ड हाफ फील्ड साइड वाइज ओवरलैप क्या बन गया, एक और बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो चुका ना भाई। अब ये बताओ इस कार्बन का ये क्या है, हालांकि ऐसे है, अरे भाई कागज बोर्ड पे ऐसे, भाई बोर्ड पे ऐसे ड्रॉ नहीं सकता ना, तो इसको ऐसे ड्रॉ करते बताओ, तो ये क्या बताओ भाई, तो जैसे इस हाफ फील्ड ने इस हाफ फील्ड से ओवरलैप कर लिया, वैसे भाई ये बताओ ये क्या इसका एम्प्टी, और ऑक्सीजन क्या है ये, और ओ का ये क्या है बताओ भाई, बोलो भाई ये कहाँ है, बोलो भाई, और ये कहाँ है बताओ, तो इसका ये तो क्या है, इसका 2pz क्या एम्प्टी, इसका 2pz क्या भाई फुल्ली फिल्ड। तो यहां से यहां क्या बन जाएगा, एक डेड ट्यूब बॉन्ड। आप सोचते हो डेड ट्यूब बॉन्ड सिर्फ कब बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है भाई, डेड ट्यूब बॉन्ड पाई बॉन्ड भी बन सकता है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो कार्बन ऑक्सीजन बताओ क्या क्या हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पास भाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में क्या भाई, ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे भाई एक तो क्या हो गया, इसके हाफ फील्ड हाइब्रिड, इसके हाफ फील्ड हाइब्रिड से एक सिंगल बॉन्ड। अब बताओ क्या हो गया, इसका हाफ फील्ड, इसका हाफ फील्ड, सॉरी इसका हाफ फील्ड, इसका हाफ फील्ड क्या हो गया, बोलो भाई 2py 2py साइड वाइज ओवरलैप पाई बॉन्ड। अब इसका एम्प्टी और इसका फुल्ली फील्ड क्या हुआ, इसका 2pz एम्प्टी, इसका 2pz, मान लीजिए ये क्या है जेड एक्सिस, तो ये क्या है, ये क्या है कार्बन का एम्प्टी 2pz, ये क्या है ऑक्सीजन का फुल्ली फील्ड 2pz,
साइडवाइज ओवरलैप अनदर बॉन्ड, नहीं आ क्या? तो हमारे पास तो भाई, तो अपने पास देखी कि कार्बन और ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बना लिए, तीन बॉन्ड भाई तीन बन गए। अब इस कार्बन के ऊपर ये क्या बचा, इसने किसी कहीं भाग लिया क्या? नहीं। तो इस कार्बन के पास मेरे पास क्या आ गया? एक हाइब्रिड लोन पेयर, अरे ये वाला। और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या आ गया बताओ भाई? एक हाइब्रिड लोन पेयर। तो कमाल की बात क्या है कि सी ट्रिपल बॉन्ड ओ भी बन चुका है, पिस्तौल जेल में आ चुका है भाई, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ भी बन चुका है। और कार्बन के इस साइड क्या निकला हुआ? एक लोन पेयर। और ओ के इस साइड क्या निकला हुआ? एक भाई लोन पेयर, इजंट इट? अब ये भाई, तो आपने पहले तो आपने किसके अंदर बॉन्डिंग समझ ली बताओ? अभी आपने किसके अंदर बॉन्डिंग समझ ली है? सीओ मॉलिक्यूल के अंदर। अब आपने पढ़ना बताओ किसके अंदर? मेटल कार्बन है सब भाई, ये मेटल से कैसे बाइंड करेगा, ये मेटल से कैसे बाइंड करेगा? ठीक है, तो मैं भाई एक लिगेंड को शो करूंगा, आप समझिए फिर इसको, ठीक है ना बात? नहीं आपको समझ आया? ओके, इसको नहीं आया भाई? किसी ने कुछ ऐसे? ठीक है, ओके। तो आप ही बताओ भाई, अब ये क्या हमारे पास मेटल, और ये बताओ क्या इसका, अरे भाई इस मेटल का ये आप क्या मान लो भाई? जेड एक्सिस। क्या मान लो इसका भाई? जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये बताओ, और ये क्या इसका एक्स, और क्या मान लो इसका भाई? वाई, ठीक है ना बात? तो आप मुझे ये बताओ कि इस मेटल ने, जब इस मेटल को कौन अप्रोच करेगा बताओ? इस मेटल के पास कौन से होते हैं वैलेंस? 3D होता है, क्या होता है? 3D, 4S और 4P होता है। मान लिया इस मेटल के पास क्या है, मान लिया ये मेटल क्या है? D6, क्या है ये? D6। तो दो तो यहाँ आ गए, दो यहाँ और दो यहाँ, पेयरिंग हो गया यहाँ पर भाई। तो ये क्या है? एम्प्टी, एक एम्प्टी। तो क्या गया मेरे पास? D2SP3। मेरे पास भाई कौन सी अपडेशन आ गई? D2SP3 अपडेशन आ गया मेरे पास भाई। तो इसने 2D, 1S और 3P क्या कर दिए? हाइब्रिडाइज कर दिए। और 6 हाइब्रिड कहाँ ओरिएंट कर दिए? अलोंग डिफरेंट एक्सेस। एक तो ओरिएंट कर दिए ऊपर की तरफ, एक हाइब्रिड कहाँ है? लेकिन 6 के 6 क्या है ये? एम्प्टी, एम्प्टी। अब ये बताओ क्या है? एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये तो क्या है? फुल्ली फील्ड। लेकिन जो हमारे पास हाइब्रिड बने मेटल के कौन से? मेरे पास मेटल के हाइब्रिड कौन से बने बताओ भाई? भाई मेटल का DXY, DYZ, DZX क्या है? मेटल का DXY, DYZ, DZX तो क्या है? फुल्ली फील्ड। लेकिन मेटल का DX²-Y² और मेटल का DZ² क्या है? एम्प्टी, SB एम्प्टी, PX PY, PZ एम्प्टी। तो जब आप ये दो डी एम्प्टी और भैया एस एम्प्टी और 3 पी एम्प्टी इनको आपने हाइब्रिडाइज कर दिया, तो 6 नए क्या बनेंगे ऑर्बिटल्स, वो भी क्या होंगे? एम्प्टी होंगे भाई। इनको एम्प्टी बनाया क्यों हमने भाई? क्योंकि 6 जो कार्बोनिल आएंगे, पहले आप मुझे बताओ भाई, क्योंकि कार्बोनिल के साइड भी क्या निकली हुई है? एक लोब डोनेशन के लिए भाई, डोनेशन के लिए कार्बोनिल की साइड भी क्या है? एक लोब है, और ओ की साइड भी एक लोब है। लेकिन आप मैंने ये बताओ कि कार्बोनिल भाई सी साइड से अप्रोच करे कि ओ साइड से अप्रोच करे डोनेशन के लिए, लॉजिकल आपको क्या लगता है? बिना कैलकुलेशन के आप बताओ भाई, सी साइड से क्यों भाई? क्योंकि अगर ओ साइड से डोनेट किया तो ओ क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करना नहीं चाहता, नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो रीजनेबल में क्या लगता है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड में हालांकि लोन पेयर डोनेशन के लिए दोनों साइड अवेलेबल हैं, सी साइड भी और ओ साइड भी, लेकिन भाई कार्बोनिल का सी साइड से अप्रोच करना क्या लगता है हमको? ज्यादा रैशनल लगता है बजाय कि ओ साइड से अप्रोच करना, इजंट इट? तो आप मुझे बताओ भाई, तो इस मेटल ने क्या किया? इसने भाई एक हाइब्रिड क्या कर दिया? ऊपर एक हाइब्रिड, नीचे एक हाइब्रिड साइड, और एक हाइब्रिड इस साइड, ये लेकिन ये एम्प्टी है, क्या ये? मैंने भाई इस मेटल के जो 6 क्या हैं हाइब्रिड, ये मैंने कैसे शो किए बताओ? इनमें से मैंने सिर्फ कितने शो किए? एक, कौन सा? ये वाला हाइब्रिड।
बाकी एक हाइब्रिड साइड भी एम्प्टी, एक हाइब्रिड साइड है, एक हाइब्रिड साइड, एक हाइब्रिड साइड और एक हाइब्रिड भाई इस साइड। अच्छा ओके, अब आप मुझे ये बताओ, अरे वो कलर्ड मार्कर कहाँ, कलर्ड चौक कहाँ गए? ये शोम तो नहीं खा गया उनने? अच्छा अच्छा, स्वाद बहुत हो भाई। एक सेकंड रुको, अरे अरे मिल गया, मिल गया, शाबाश, हाँ गुड गुड गुड। हाँ किसी ने छिपा के रख रखे हैं ये, वैसे कर रहा हूँ ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ भाई, अच्छा ये तो क्या हो गया, ये तो क्या इस मेटल का एम्प्टी हाइब्रिड, लेकिन ये क्या इसका, अगर ये एक्स और ये वाई है तो ये कौन सा है, बोलो भाई डी एक्स वाई कौन सा है ये? नहीं आ गया डी एक्स वाई भाई, पक्का होगा ना? अच्छा भाई आप ये बताओ भाई, अब यहां से मान लिया कौन आ गया कार्बोनाइल, तो जब ये कार्बोनाइल आएगा, बोलो भाई, तो ये इसके पास क्या है, ये फुल्ली फिल्ड नहीं आ गया आपको, तो ये तो क्या हो गया डोनेशन, वगैरह डोनेशन भाई साइड। लेकिन ये बताओ ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इन ट्रिपल बॉन्ड में से नहीं है आप एक, ये ट्रिपल बॉन्ड बने कैसे हैं बताओ भाई, अरे बोलो भाई ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना हुआ है? मान लिया इस कार्बन का ये क्या मान लिया भाई, अरे इनके एक्सिस आप अलग रखो, तो इसका ये बताओ क्या मान लिया, कार्बन का ये क्या है एम्प्टी पीजेड, और ये ओ का क्या है एक फुल्ली फिल्ड पीजेड। भाई मैंने ओ के लिए और सी के लिए मैंने अलग क्या रखे कोऑर्डिनेट्स, नहीं बात आपको पहले पड़ गया? तो आप ये बताओ सी का क्या है भाई, एक तो पाई बॉन्ड कैसे बना था पी वाई के साइड ओवरलैप से, एक तो पाई बॉन्ड कैसे बना था, ये पाई बॉन्ड मान लिया कहाँ से बन रखा है, कार्बन का पी वाई हाफ फील्ड, ऑक्सीजन का हाफ फील्ड पी वाई, उनके साइड ओवरलैप से, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और नहीं बनेगा, वो कैसे बनेगा, कार्बन का तो एम टी टू पी जेड और ओ का फुल्ली फील्ड टू पी जेड। अब होता क्या है, अब इसके डी एक्स वाई भी क्या होता है, फुल्ली फील्ड होता भैया, नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो होता क्या है भाई, तो होता क्या है, अब देखो भाई यहां पर है कार्बन जिसके पास क्या है एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके पास क्या है फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड आपको पता है कि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड बनता है फुल्ली फिल्ड का, एम्प्टी से बनता होगा, नहीं समझे बात, तो कभी तो क्या हो जाएगा ये बॉन्ड यहां बन जाएगा, कभी ये बॉन्ड यहां बन जाएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, मतलब कभी तो बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, यहां से यहां, नहीं समझे बात, कभी बॉन्ड क्या बन जाएगा ये वाला, दोनों साथ में रहेंगे, यानी कभी तो क्या हो जाएगा, जब ये क्या हो जाएगा ट्रिपल तो ये क्या रह जाएगा सिंगल, और जब ये क्या हो जाएगा डबल तो ये भी क्या हो जाएगा डबल, नहीं पता कूल है, मतलब जो ये एम्प्टी नहीं है ये एम्प्टी ऑर्बिटल कभी तो अपने इसको यूज कर लेता किसी को ओवरलैप करने में ऑक्सीजन के टू पी जेड से, और कभी ऑक्सीजन के 2pz से बॉन्डिंग हटा देता है और बॉन्डिंग किसे कर लेता है इसके डी एक्स वाई से, नहीं आएगा आपको भाई? तो ऐसे हमारे पास क्या, यहाँ पर मत कही हो भूल के ना बोल दियो, हाँ ओवरलैप हो गया, अब क्या बनेंगे, अब बनेंगे पाई स्टार, भाई ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, यहाँ पर पाई स्टार ना बना दियो, यहाँ पर साइडोज ओवरलैप कैसे होता है, अब क्या बोलोगे कि कभी तो बॉन्ड बन जाएगा यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, नहीं आएगा आपको भाई? आसान है मुश्किल भाई? तो ऐसे हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया बताओ, साइड वाइज ओवरलैप। तो भाई तो हमने देखा भाई कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत एफिशिएंट है सिग्मा बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में, और भाई पाई बॉन्डिंग को, तब अरे भाई टू पी वाई क्या बनेगा साइड वाइज ओवरलैप, लेकिन इसका टू पी जेड, इसका टू पी जेड जीरो, बताओ क्या होगा, अरे साइड नहीं आया आपको, अब बताओ आ गया ना आपको, अरे बोलो भाई तो ये बताओ क्या मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है भाई यहाँ पर एक तो क्या हुआ सिंगल बॉन्ड, अरे क्या बन गया दो, क्या बन गया पाई बॉन्ड। अब देखो भाई ये बताओ मेटल से कैसे जुड़ते हैं, बताओ
देखो मैंने क्या किया, ये नहीं जो ये अरे जो शेडोड एरिया है ये तो क्या है, फुल्ली फिल्ड क्या है ये, और ये बताओ ये क्या हमारे पास वैकेंट। तो कभी तो बॉन्ड बन जाएगा थे, कभी ये बॉन्ड खत्म और ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। अरे बोलो जब ये बॉन्ड टूटेगा ये बॉन्ड बन जाएगा। तो अभी क्या है ट्रिपल सिंगल भी क्या है डबल डबल, तो क्या मेटल पाई बॉन्डिंग आसान की मुश्किल भाई। मैंने भी देखा है कई बार बच्चे क्या करते हैं वो पढ़ बनाते क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और लास्ट में पाई स्टार बना देते हैं। सो जैसे भाई जैसे वेस्पर थ्योरी में क्या बना देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। पढ़ेंगे क्या वेस्पर थ्योरी और शुरुआत कहाँ से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग आपसे को क्वेश्चन पूछे कि भाई एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ पी एफ फाइव यूजिंग वेस्पर थ्योरी, तो बच्चा पता क्या बोलता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ फॉस्फोर, शुरुआत यहाँ से करता है ना। अगर भाई कॉन्सेप्चुअल में अगर कॉन्सेप्चुअल मिसकंसेप्शन है तो वो बच्चे क्या बोलते हैं शुरुआत कहाँ से करेंगे कि फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना फिर भाई। ठीक है ओके आगे आपको, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भाई बहुत ईजीली पल्ले पड़ गया कि भाई ये ज्योमेट्री कैसे एक्सप्लेन हो, सॉरी मेटल का। पहले हमने क्या किया, पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कार्बोनाइल के अंदर बॉन्डिंग को स्टडी किया, फिर हमने भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही मेटल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग को स्टडी किया, इजंट इट। अब बताओ मैं क्या पढ़ना भाई, बताओ भाई। अब तुमने वैसे डांस करने मुझे लगे ये ठीक है बात ओके। अब बताओ अब क्या भाई एमओ थ्योरी क्या, अब मैं आपको देखो जो एमओ थ्योरी है ना भाई उसका बड़ा कंफ्यूजन है बुक्स के अंदर भी, ठीक है इवन जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना उनके अंदर भी क्या है कंसेप्चुअल मिस्टेक्स है भाई। ठीक है तो मैं आपको क्योंकि फिर इसमें भाई क्योंकि मैंने कई बार जब मैंने बच्चों को पढ़ाया मैं प्राचीन काल से पढ़ाया बच्चों को भाई, तो मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बाद में भाई क्यों ऐड किया अपनी बुक के अंदर ये सारे डायग्राम भाई, क्योंकि मैं पढ़ाया करता ये लास्ट वाला डायग्राम भाई यूजुअली देखो ये भैया। लेकिन फिर कोई बोले कि भाई इसमें तो डायग्राम ही दे रखा है, फिर मैंने सारे डायग्राम इकट्ठे करने ट्राई की ताकि उनको पता लग जाए कौन सा डायग्राम ठीक कौन सा डायग्राम भाई गलत है। क्योंकि कार्बोनाइल क्या होते हैं तीन एमओ डायग्राम, कार्बोनाइल क्या होते हैं तीन एमओ डायग्राम्स होते हैं भाई, एक तो बिल्कुल ही आउटराइट क्या है रॉन्ग, एक थोड़ा सा कम गलत है भाई, और एक सही डायग्राम है। एक तो क्या है बिल्कुल गलत डायग्राम, एक थोड़ा सा क्या है ठीक डायग्राम, और एक क्या बिल्कुल भाई सही डायग्राम। तो अगर सीओ के तीन एमओ डायग्राम है तो मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग को भी तीन तरीके से एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं भाई, लेकिन उसमें लास्ट वाला क्या बिल्कुल ठीक, तो हम देखेंगे भाई। तो हम अब हम क्या पढ़ेंगे एमओ थ्योरी से, पहले सीओ के अंदर बॉन्डिंग, पहले हम क्या पढ़ेंगे एमओ थ्योरी से भाई सीओ के अंदर बॉन्डिंग, और फिर वो सीओ भाई उस डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे बाइंड करेगा किससे मेटल से। तो सबसे पहले भाई हम सीओ का एमओ डायग्राम बनाते हैं, जो पहला एमओ डायग्राम होता है वो क्या कहता भाई आप ये बताओ पहला ये भाई ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन पढ़ते हैं इसको बताओ। कार्बन का कार्बन का कन्फिग्रेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p2, और वह क्या होगा 1s2 2s2p4। तो जब आप क्या करोगे इसमें भाई जब एमओज बनेंगे तो एमओज कैसे कैसे बनेंगे भाई, हम एमओज बनाते हैं कि 1s1s का ओवरलैप क्या बनेगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s बॉन्डिंग बोल दिया मैंने नहीं आपको ये, अरे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s 2s के ओवरलैप से क्या बनेगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। लेकिन जो ये 2p है और ये जो 2p है इस 2p में क्या होता है 2px 2py 2pz, और यहां भी क्या होता है 2px 2py 2pz। अब अगर मैं ये मान लूं कि z क्या है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अब मैं क्या मान लूं भाई z में मान लूं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो पता क्या है मेरे पास तो 2pz 2pz क्या बनाएंगे सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, और 2px 2px क्या बनाएंगे पाई बॉन्डिंग, और 2py 2py क्या बनाएंगे पाई एमओज, इजंट इट। तो भाई आपने इसका डायग्राम पढ़ तो रखा सीओ का कि नहीं पढ़ रखा, तो फिर भाई ये डायग्राम बोलते हैं हम एमओ सीओ का कि नहीं बोलते हैं, ये डायग्राम बताओ कौन सा भाई, भाई मैंने सिग्मा 1s नहीं छोकी यहाँ पर, अरे भाई एक नीचे यहाँ पर भी होगा 1s 1s क्या बन गया सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, वो मैंने शो नहीं किया ठीक है बात। अरे बोलो भाई ये पार्शियल एमओ डायग्राम है,
तो बताओ टू एस के ओवरलैप से एक बात तो ध्यान रखो, बताओ क्या, कि कार्बन के ऑर्बिटल थोड़ा ऊपर बनाओ और ओ के थोड़ा क्या बनाओ नीचे, बताओ ना आपको कैसा क्या होता भाई। तो एक डायग्राम ये होता है, ठीक है, बताओ इसमें क्या होता है कि भाई वन एस टू एस टू एस से क्या बन गया, सिग्मा टू एस सिग्मा स्टार टू एस। तो टू एस में क्या थे दो, इसमें टू इसमें क्या दो, दो इसमें आ गए, दो इसमें आ गए, ठीक है बात। अब बताओ भाई यहाँ बताओ कौन कौन से, टू पी एक्स वन टू पी वाई वन और टू पी जेड जीरो। अब यहाँ बताओ क्या है, टू पी एक्स वन टू पी वाई वन टू पी जेड टू हो गया ना यहाँ पर भाई, अरे बोलो तो क्या आएगा। तो अब मैं कहूँ जेड क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो टू पी जेड और टू पी जेड क्या बनाएंगे बताइए भाई, सिग्मा टू पी जेड सिग्मा स्टार टू पी जेड और टू पी एक्स और टू पी एक्स क्या बनाएंगे, अरे भाई साइडोज ओवरलैप होगा इनका, तो क्या हुआ पाई टू पी एक्स पाई टू पी पाई स्टार टू पी एक्स और टू पी वाई पाई टू पी वाई पाई स्टार टू पी वाई। इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास टोटल बताओ भाई, फिर दो टू एस टू इसमें क्या दो और दो, तो दो यहाँ आगे दो यहाँ आगे, ठीक है ना बात। अब यहाँ बताओ भी क्या बताओ मेरे पास कितने आगे, दो यहाँ और दो यहाँ आगे। ये एमओ डायग्राम भाई, एक तो ये एमओ डायग्राम बताओ सीओ का, जो भाई बच्चों को पढ़ाते हैं 11वीं 12वीं लेवल पे, इजंट इट, अरे बोलो भाई। तो 11वीं 12वीं लेवल पर ये पढ़ा है ना, इसको मेंशन करना चाहिए कि डायग्राम गलत है, क्योंकि बच्चे भाई इसको, अरे थोड़ा सिंपल सीख लिए भाई, इसको बच्चे पढ़ के इसको आगे भाई फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें बताओ गलती क्या है, पहली गलती इसके अंदर ये है, इसमें होमो कौन सा बताओ भाई, पाई टू पी एक्स, इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, और बताओ भाई मेटल से बॉन्डिंग कैसी होगी, होमो से, यानी कि भाई हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वही तो इस्तेमाल होंगे भाई। तो यहां बताओ होमो कौन से, पाई टू पी, अच्छा ध्यान रखो भाई। अब मैं इसको थोड़ा सा नहीं, मैं थोड़ा, क्योंकि मेटल कार्बोनिल की जो बॉन्डिंग है ना उसको मैं थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के या सेमी इंपेरिकल फ्रेमवर्क में दिख रहा हूँ थोड़ा मिक्स, क्योंकि अदरवाइज तो भैया आपने क्या करना पड़ेगा, आपने सीओ के क्या लेके जो बॉन्डिंग में भाग लेने रहे उनसे क्या बनाने पड़ेंगे साख, और साख पता होगा ना आपको वो सारी बकवास भाई, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैं थोड़ा भाई नहीं है, मैं इसको थोड़ा सिंपली सिंपल मैनर में देखता हूँ इसको भाई। तो बताओ, तो यहाँ पर बताओ यहाँ पर कौन है, ये पाई टू पी एक्स में है ना इलेक्ट्रॉन भाई, या पाई टू पी वाई में है। अच्छा पहली बात इसमें गलती, ये है इसमें बताओ भाई जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है भाई, इसमें होमो कैसे हैं, बॉन्डिंग है बिल्कुल। लेकिन आपको पता है सी ओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सी ओ से ज़्यादा होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप एक काम करो भाई, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर निकालियो अपने, सीओ का बताओ तुम क्या बोलेंगे भाई, दो दो चार दो छः, अरे भाई सिग्मा वन एस और सिग्मा स्टार वन एस के वो तो कैंसिल आउट हो गए, सिग्मा टू एस टू सिग्मा स्टार टू एस टू कैंसिल आउट हो गए ना। तो बताओ हमारे पास भाई नेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचे, चार, दो चार और छः, तो छः बटा दो कितना बॉन्ड ऑर्डर आया, तीन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया था, तीन। तो भाई लेकिन सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या घटना नहीं चाहिए क्या, कब भाई, क्योंकि अगर आपने CO प्लस बनाया तो इलेक्ट्रॉन आप कहां से निकालोगे, 2px या 2p पाई 2px या पाई 2py से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो बताओ भाई बॉन्ड अभी क्या है, अभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, और एंटी बॉन्डिंग क्या है इस डायग्राम में, इसमें 10 तो क्या है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या है, चार, बोलो भाई। तो क्या है मेरे पास, 6 बटा 2 क्या है मेरे पास, 3 आया होगा, isn't it? लेकिन अगर मैं ये बोलूं भाई, अगर मैं ये बोलूं, अगर मैंने CO प्लस बना दिया तो एक इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से निकाल रहे हो, बॉन्डिंग वाले से, तो क्या हो जाएगा, 9 - 4 5 बटे 2 कितना बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, 2.5, isn't it? लेकिन भाई CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता ज़्यादा, यानी एक तो ये डायग्राम क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर भाई ज़्यादा कैसे होता है CO से, क्योंकि यहाँ पर तो भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, बॉन्डिंग से, और बॉन्डिंग से जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा, बोलो भाई। एक तो इससे ये एक्सप्लेन होता, दूसरा इससे क्या, एक तो इस डायग्राम से भाई सीओ की प्रॉपर्टी ही एक्सप्लेन ना होती तो फालतू डायग्राम है बिल्कुल, क्यों नहीं हुआ फालतू डायग्राम, एक तो इससे सीओ की प्रॉपर्टी ही एक्सप्लेन ना होती, नहीं होती ना,
और इससे कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होती है? इससे मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग एक्सप्लेन होगी। क्यों भाई? क्योंकि ये कौन मान लिया मेटल, ये कौन भाई मेटल। अब मेटल का ये क्या है एम्प्टी, देखो मेटल से कैसे बॉन्डिंग करो इसको भाई, इसकी बॉन्डिंग करवा रहे हो वैलेंस बॉन्ड फ्रेम में, कैसे भाई? हालांकि क्योंकि पूरी तरह एमओ थ्योरी नहीं है ये, एमओ थ्योरी मैंने भाई मैंने कार्बोनिल की बॉन्डिंग में कैसे स्टडी कर रहा हूँ एमओ थ्योरी से, लेकिन मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग में कैसे स्टडी कर रहा हूँ फिलहाल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। अदरवाइज भाई अरे वो इरिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल बहुत ज़्यादा मामला मामला क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है बात। तो मेटल नहीं है बताओ, क्या ओरिएंट कर रखा अपना एक हाफ फील्ड हाइब्रिड। अब आप ये बताओ जो होमो है यहाँ पर इस डायग्राम में, इस डायग्राम में जो होमो हो कौन सा है पाई टू पी, इस डायग्राम में होमो कौन सा पाई टू पी एक्स है ना भाई। अरे बोलो भाई, तो मान लिया ये कौन है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, और ये बताओ क्या है, चलो ये क्या भाई कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। अब ये बताओ क्या है प्लस माइनस, ये क्या होता है पाई पाई एक्स बॉन्डिंग, ये क्या पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग, ये फुल्ली फिल्ड भाई क्या ये, और ये चार लोग किसके हैं बोलो भाई, ये दो लोग किसके हैं पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग, ये चार लोग किसके हैं पाई स्टार टू पी एक्स, इजंट इट। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर है इन चार में है, ये तो एम्प्टी हुई तो क्या पाई स्टार है, इलेक्ट्रॉन कहां यहां है ना भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी सागरी बेटा। तो बताओ अगर मान ली सीओ को बाइंड करना हो, इस सीओ को डेंसिटी डोनेट करनी है, तो उस डेंसिटी कहां से डोनेट करनी पड़ेगी, इन चार लोब से कि इन दो लोब से भाई, डेंसिटी कहां पर इन दो लोब में है, तो दो लोब से अगर ये इसको ऐसे ही अप्रोच करें, यानी यहां मेटल सेंटर हो, ये क्या मेटल का एम्प्टी, ये क्या मेटल एम्प्टी, और ये क्या इसका फुल्ली फिल्ड, तो क्या कार्बन साइड से इसको अप्रोच करने गई है, तो क्या इसको ये डोनेट, क्या भाई डेंसिटी इसको डोनेट कर पाया क्या, नहीं यहाँ डेंसिटी है नहीं इस एंड पे, तो क्या इसको आपको भाई फ्लिप नहीं करना पड़ेगा इसको भाई, क्या इसको आपको भाई फ्लिप नहीं करना पड़ेगा क्या, पर बोलो भाई क्या आपको इसको भाई फ्लिप नहीं करना पड़ेगा ऐसे, ताकि भाई ये डेंसिटी क्या जिसकी सीध में आ जाए, तो फ्री नहीं कहोगे कि तो ऐसे आना चाहिए भाई कार्बन ऑक्सीजन बोलो भाई, और ये क्या है डेंसिटी है भाई क्या पाई स्टार टू पी एक्स, और ये चार लोब कौन सी है, नहीं आएगा आपको भाई, तो क्या कहोगे अब ये तो क्या हो जाएगी डोनेट, ठीक है। और ये बताओ क्या मेटल का, ये क्या है यहां कौन है मेटल का, ये बताओ क्या मेटल का पाई स्टार, ये क्या मेटल कोई डी एक्स वाई, ये क्या मेटल को भाई डी एक्स वाई डी वाई जेड या डी जेड एक्स, ये फुल्ली फिल्ड होता है मेटल का, तो कोई यहां से क्या हो जाएगा बैक डोनेशन, नहीं आपको सुनने बोलो भाई। तो आपने बात देखी कि ये जो डायग्राम है ये तो क्या करता है, ये बैक बॉन्डिंग तो एक्सप्लेन कर सकता है कि मेटल के फुल्ली फील्ड डी एक्स जेड से इसके पाई स्टार टू पी एक्स में क्या जाएगा बैक डोनेशन, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है इसको भाई डोनेट करने, ये एक्सेप्ट तो कर लेगा लेकिन डोनेट करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा वर्टिकली परपेंडिकुलरली अप्रोच नहीं करना पड़ रहा क्या, क्या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होगा परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं हो गया एम सी, अरे एम सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे नहीं क्या मेरे पास हुई, यानी कि इसमें भाई इसके अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग तो मेटल को अगर यहां पर कौन है मेटल और भाई यहां पर बॉन्ड बनने हैं, यहां बॉन्ड बनना है तो सी के साइड से आएगा कि ऐसे आना चाहिए इसको अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इसको परपेंडिकुलरली अप्रोच करना चाहिए क्या बॉन्ड को, लेकिन हमको पता भाई ये परपेंडिकुलर फैशन में टच नहीं होता, सी ओ क्या होता है लीनियर फैशन में, और ये डायग्राम भाई लीनियर फैशन में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो भाई ये तो इन्हें क्या भैया ये डायग्राम ना तो सी ओ के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकता भाई, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता इसका। अरे बोलो भाई, और दूसरा ना ये क्या एक्सप्लेन कर सकता, ना तो ये सी ओ के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकता और ना ही ये क्या एक्सप्लेन कर सकता, बताओ भाई क्या मेटल लिगेंड बॉन्ड को, क्यों भाई
क्योंकि उसको एक्सप्लेन उसको भाई अप्रोच करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसको भाई इसको परपेंडिकुलरली अप्रोच करना पड़ेगा, देखो इसको, ताकि इसका पाई स्टार तो क्या कर ले, बैक डोनेशन ले ले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई क्या मेटल और बॉन्ड, मेटल लिगेंड बॉन्ड के क्या सीओ क्या होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा क्या भाई? लेकिन क्या मेटल को इस बॉन्ड के अलोंग सीओ ऐसे आता बॉन्ड बनाने के लिए कि ऐसे आता कार्बन साइड से एक्सपेरिमेंटली? आ गया ना आपको ये, नहीं आपको समझ? तो इस बॉन्ड में, तो इस डायग्राम में खास बात क्या है, ये भाई ना तो सीओ को एक्सप्लेन कर सकता सीओ के अंदर बॉन्डिंग को, और ना ही मेटल कार्बोनाइल की सिग्मा बॉन्डिंग को रैशनलाइज कर सकता। हाँ, मेटल कार्बोनाइल की पाई बॉन्डिंग को रैशनलाइज ये कर सकता। तो देखो भाई, तो सीओ बॉन्ड से तो क्या हो गया डोनेशन, और ये क्या हो गया भाई एक्सेप्टेंस साइड वाइज। आ गया ना आपको ये, तो एक बात तो ये फिर भी एक्सप्लेन करता है क्या, साइड वाइज ओवरलैप। आ गया आपको ये, तो भाई ये डायग्राम गलत था, हम पढ़ते हैं दूसरा डायग्राम। ये डायग्राम को आ गया कि नहीं आया? ठीक, ये डायग्राम आपको पल्ले पड़ गया भाई। दूसरा डायग्राम क्या होता है, काफी हद तक मैं आपको बताऊं भाई, डिपेंड करता पता किसके ऊपर। दूसरा डायग्राम जो होता है वो काफी हद तक रिलेट करता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। कैसे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने बताऊंगा, आप सीओ के ऊपर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे लगाते हो, वैसे लगाओ। स्टार्टिंग आप किससे करो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, और बाद में क्या बना लो, एमओ थ्योरी खिचड़ी। कैसे भाई बताओ? सी इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एमओ थ्योरी दोनों मिलमा चलती हैं सीओ को एक्सप्लेन करने के लिए भी। कैसे बताओ भाई? तो पहले क्या लिखो, सीओ का कॉन्फिगरेशन क्या लिखेंगे आप, 2s2 और 2p। अरे बोलो भाई, 2s2 और 2p। अरे टू, ये कार्बन है क्या ये, 2s2 और 2p 2 आ गया ये। अब बताओ भाई, ये तो क्या है कार्बन, और ये बताओ कौन है ऑक्सीजन, ये क्या लिखो, 2s2 और 2p 4, 1, 2, 3 और 4 आ गया ना भाई। तो एक काम करो आप, अब आप पहले यहां पर क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन रखोगे। हमने बनाना क्या सीओ का एमओ डायग्राम, हाइब्रिडाइजेशन कहां से आ गई भाई, बनाना एमओ डायग्राम है लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बनाइयो, एमओज। आप भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल से आप क्या बनाइयो, एमओज बनाइयो, तो क्या होगा फिर यहां पर, तो यहां पर आप क्या करो, यहां पर क्या होगा हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी भाई sp, तो क्या होगा, तो जब इसमें क्या होगी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो ये जो कार्बन होएगा ये अपना एक हाफ फिल्ड हाइब्रिड साइड कर देगा, समझ के बात, और एक फुल्ली फिल्ड हाइब्रिड भी इस साइड कर लेगा। सिमिलरली यहां भी क्या होगी sp हाइब्रिडाइजेशन, ये ओ भी क्या करे बताओ भाई, एक हाफ फिल्ड हाइब्रिड इस साइड, नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई, और एक फुल्ली फिल्ड हाइब्रिड इस साइड। तो ये तो क्या है, कार्बन का फुल्ली फिल्ड हाइब्रिड, ये क्या है ऑक्सीजन का फुल्ली फिल्ड हाइब्रिड, एक दो, ये क्या है ऑक्सीजन का हाफ फील्ड, एक ऑक्सीजन का हाफ फील्ड। इनको ओवरलैप ना करो भी, क्योंकि भाई हमने यहाँ पर इनको ओवरलैप करवा दिया, फिर तो क्या होगी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इनको करवाना मिक्स। क्या मैं बोलूँ ओवरलैप तो क्या साउंड आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, मैं बोलूँ मिक्स तो क्या साउंड आती है एमओ थ्योरी की, ठीक है बात। तो इनको भाई मिक्स करना है, हालांकि थोड़ी ओवरलैप कर गई है, मैं यहाँ पर जगह नहीं थी भाई, ठीक है ओके। अब ये बताओ भाई, तो सिमिलरली हम क्या करूँ sp, अब इसके पास क्या है ये, इसका क्या है 2py हाफ फील्ड, 2py हाफ फील्ड, ये क्या है इसका भाई 2py, ये क्या है इसका, नहीं है आपको, और ये क्या है इसका एम्प्टी कार्बन, क्या इसका भाई फुल्ली फील्ड, नहीं है ना आपको? तो भाई अब आपने नहीं है, अगर आपने इनको सिंपली ओवरलैप करवा दिया कि ये ओवरलैप एक बॉन्ड, हाफ फील्ड हाफ फील्ड दूसरा बॉन्ड, फुल्ली फील्ड एम्प्टी तीसरा बॉन्ड, तो क्या बन गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना भाई। लेकिन आप इनको ओवरलैप ना करो, इनको मिक्स करवा दो। तो कोल्सन ने क्या किया भाई, कोल्सन ने बोला कि इनको ओवरलैप ना करवा के इनको मिक्स करवा दो, और तब बनाओ एमओ डायग्राम, सिंपली एमओ डायग्राम ना बनाओ, ओके। तब बताओ क्या होगा, बोलो भाई तब बताओ क्या होगा। तो इसकी मिक्सिंग होगी इससे, तो इसका हाफ फील्ड, तो ये हाइब्रिड और इस हाइब्रिड का मिक्सिंग, तो क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्डिंग और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग,
लेकिन ये सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कैसे बना है बोलो भाई? हाइब्रिड ऑर्बिटल के मिक्सिंग से, ओवरलैप से नहीं, मिक्सिंग से। तो बताओ भाई, तो बताओ, तो ये तो बताओ क्या है इसका? अरे ये क्या है, ये तो क्या कार्बन का क्या है? हाफ फील्ड हाइब्रिड। ये तो क्या कार्बन का? अरे ये क्या कार्बन का हाफ फील्ड हाइब्रिड, ठीक है। और ये बताओ क्या है, और ये बताओ क्या है, नहीं सॉरी, ये तो क्या हमारे पास भाई कार्बन का हाफ फील्ड हाइब्रिड। अरे भाई देखो आप, पहले बताओ क्या हुआ है, कार्बन के 2s ने 2pz से, सॉरी कार्बन के 2s ने 2px में मिक्स होकर बना लिया हाफ फील्ड 2px1 वाला और 2px2 इलेक्ट्रॉन वाला। और भाई बताओ भाई, ये ऐसे छोड़ दिए बिना हाइब्रिड के 2py1 और 2pz। अरे भाई हमने क्या किया, मैंने 2s को 2px से मिक्स हाइब्रिडाइज करवा दिया, तो क्या बन गया मेरे पास, एक हाइब्रिड दूसरा हाइब्रिड, इसमें क्या है दो, इसमें क्या है एक। और ये बताओ मेरे पास क्या रहेगा, 2py और 2pz क्या रखो भाई, अनहाइब्रिड एटॉमिक। नहीं आ गया आपको? सिमिलरली एक काम करो आप, ऑक्सीजन के क्या करो 2s और एक कौन सा 2pz, इन्हें क्या करो हाइब्रिड। ही क्या इसका भाई, ये क्या ऑक्सीजन का, अरे फुल्ली फील्ड हाइब्रिड। अरे ये वाला शो कर रखा मैंने, ये वाला, और ये हाफ फील्ड कहाँ है, ये कहाँ से बैठा है, ये तो कहाँ से, ये आ गया। नहीं आ गया आपको? अब भैया आप मिक्सिंग करो, अब ये तो क्या है, ये तो क्या है कार्बन का, ये तो क्या बताओ, ये तो क्या ऑक्सीजन का हाफ फील्ड हाइब्रिड, और ये बताओ क्या है कार्बन का हाफ फील्ड हाइब्रिड। तो इनमें हुई मिक्सिंग, इनमें क्या बताओ भाई, इनमें हुई मिक्सिंग, तो बताओ फिर क्या हुआ, बोलो भाई। तो देखो इसकी और इसकी मिक्सिंग, तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग, और दोनों बताओ कहां जाएंगे, और क्या बन गया, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। यानी सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगी ना, यानी इसके ओवरलैप से और इसके ओवरलैप से क्या बन गया, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, एक इसमें क्या था एक, दोनों कहां पर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर, वेरी गुड इजंट इट, आ गया ना भाई। और अब बताओ, अब आप ये बताओ इसके ओवरलैप से क्या बनेगा, इस PY PY के ओवरलैप से क्या बनेगा, ओवरलैप करो सॉरी मिक्सिंग से क्या बनेगा, पाई टू पी वाई बॉन्डिंग एंड पाई टू पी वाई एंटीबॉन्डिंग, चेक करिए भाई बनेगी नहीं बने, पाई टू पी वाई बॉन्डिंग और पाई टू पी वाई एंटीबॉन्डिंग। और भाई इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने थे, एक इसमें एक, दोनों कहां पर आ जाएंगे, पाई टू पी वाई बॉन्डिंग में, चेक करियो कहां बैठे दोनों, कहां बैठे दोनों भाई, बॉन्डिंग। और आप बताओ भाई, और आप ये बताओ, ये 2pz एंड एम्प्टी, ये 2pz फुल्ली फिल्ड, इनके मिक्सिंग से क्या बनेगा, पाई 2pz बॉन्डिंग एंड पाई 2pz एंटी बॉन्डिंग, इसके दोनों कहां जाएंगे, नहीं आना आपको समझ, अरे बोलो भाई। अब आप ये बताओ, तो आप मुझे ये बताओ भाई, तो भाई आप मुझे ये बताओ, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ भाई, आप ये बताओ, तो इस तरीके से अब ये जो, ये किसका हाइब्रिड है कार्बन का, ये क्या रहेगा बताओ, नॉन बॉन्डिंग, ठीक। और ये किसका हाइब्रिड है, ये भी क्या रहेगा, नॉन बॉन्डिंग, ठीक। और ये देखिए भाई, तो होमो अब यहां पर कौन सा बन गया हमारे पास, तो इस एमओ डायग्राम में होमो कौन सा है, बॉन्डिंग वाला है कि नॉन बॉन्डिंग वाला है, ना तो एंटी बॉन्डिंग ना ही बॉन्डिंग, क्या है, नॉन बॉन्डिंग। यानी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो नहीं, कम से कम भाई, कम से कम बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो नहीं भाई, इजंट इट, ठीक है भाई। और इसकी शेप कैसी है, इस नॉन बॉन्डिंग कार्बन वाले की शेप बताओ कि भाई कहाँ है ये कार्बन का नॉन बॉन्डिंग, कहाँ बताओ भाई, ये रहा, बोलो भाई। तो क्या बन गया, कार्बन ऑक्सीजन, अरे भाई कार्बन ऑक्सीजन, ये तो क्या हमारे पास भाई, कार्बन का नॉन बॉन्डिंग, और ये क्या है, ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग नॉन पेयर, बोलो भाई। तो डायग्राम में कहाँ बैठे हैं ये, कार्बन का तो नॉन बॉन्डिंग ये बैठा, और भाई ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग कहाँ बैठा है, ये बैठा। एनर्जी में हाई कौन सा है, तो ये भी एक्सप्लेन कर देता है कि
कि कार्बन साइड से बॉन्डिंग क्यों होती है, हालांकि दोनों के पास क्या है, हाइब्रिड लोन पेयर डोनेट करने के लिए भाई दोनों के एंड से लोन पेयर निकल रहे हैं, लेकिन भाई कार्बन का लोन पेयर क्या है, नॉन बॉन्डिंग, और होमो है क्या भाई, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो डोनेशन के लिए सुटेबल कौन सा है? आगे आपको एक तो इसने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा भाई सीओ के बॉन्ड ऑर्डर को, लेकिन ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया अगर नॉन बॉन्डिंग से, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम, लेकिन बढ़ता है ना सीओ का बॉन्ड ऑर्डर भाई, अगर इस एमओ डायग्राम्स में देखूं तो सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए ना, इजंट इट, लेकिन सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सीओ से क्या होता है ज्यादा भाई, इजंट इट, ठीक है, लेकिन भाई सिग्मा बॉन्डिंग को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देगा, बताओ कैसे, अब बताओ यहां पर भाई डोनेशन के लिए कौन सा है, कार्बन का नॉन बॉन्डिंग, और एक्सेप्टेंस के लिए कौन सा है, पाई स्टार टू पी जेड और पाई स्टार टू पी वाई है भाई, ल्यूमो कौन से है बताओ, ल्यूमो कौन से है, पाई वाले, और भाई होमो कौन से है, अरे भाई नॉन बॉन्डिंग वाले, तो बताओ भाई, अब अगर यहां पर कौन होगा, तो ये मान ले क्या वाई एक्सिस है, तो ये चार लोब किसकी, बताओ ये चार लोब किसकी है, एम्प्टी, ये क्या पाई स्टार टू पी, अरे भाई चार लोब किसकी है, अगर ये वाई एक्सिस है तो पाई स्टार टू पी वाई नहीं होगा क्या, ये नहीं होगा क्या, अब ये भाई बहुत अच्छे से बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकता, क्यों, अगर यहां कौन है मेटल, तो मेटल का एम्प्टी क्या हो जाएगा यहां, और भाई मेटल की जो लोब होंगे वो कहां जाएंगी, साइडवेज ओवरलैप, नहीं मतलब बोले पड़ी, यानी यहां से यहां क्या हो जाएगा डोनेशन, और यहां से यहां क्या हो जाएगा, सॉरी, और यहां से यहां क्या हो जाएगा, साइडवेज ओवरलैप, तो इसमें क्या इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी, तो ये वाला डायग्राम क्या करता है, पाई बॉन्डिंग भी एक्सप्लेन करता है और सिग्मा बॉन्डिंग भी एक्सप्लेन करता है मेटल के साथ, इजंट इट, लेकिन एक बात ये भी एक्सप्लेन करता है, कौन सी, सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि यहां पर आपने क्या माना इसको, नॉन बॉन्डिंग, इजंट इट, अरे बोलो भाई, हालांकि एक आर्गुमेंट आपको हम बताएंगे आगे, वो आर्गुमेंट आप यहां भी लगा सकते हो, ये डायग्राम भी मैं आपको बताऊं सीओ प्लस के बड़े बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकता है, जो आर्गुमेंट मैं आगे लगाऊंगा ना, आगे आपको भैया, तो ये डायग्राम पहले से बेटर नहीं क्या, आप बताओ मैंने क्या पढ़ना भाई, अरे भाई सिंपल सी बात है, ये तो क्या बताओ, अरे तो क्या पाई बॉन्डिंग, लेकिन आप ये बताओ भाई, ये बताओ क्या है, अरे भाई ये बताओ क्या है, कार्बन का, ये क्या बताओ कार्बन का, हाइब्रिड नॉन बॉन्डिंग, तो ये तो क्या करे भाई, डोनेट, अरे भाई ये तो क्या करे बताओ, हो गया ना डोनेशन यहां पर, और मेटल के भाई ये पाई स्टार में क्या कर लेगा, बैकबॉन्ड नहीं है क्या, और यहां पर कार्बन को भाई परपेंडिकुलरली अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, कार्बन यहां पर आराम से लीनियरली अप्रोच कर सकता है, इजंट इट, ठीक है, और बताओ भाई, अब बताओ भाई तीसरा डायग्राम, अब क्या हमारे पास भाई तीसरा, ये भाई बिल्कुल सही डायग्राम, ये मैं आपको बताऊं, ये डायग्राम मैंने बाकायदा कैलकुलेट किया है, ये भाई मैंने नहीं है बाकायदा, जो भाई क्या बोलते हैं, अरे फर्स्ट प्रिंसिपल कैलकुलेशंस होती है ना, ठीक, कंप्यूटर में वो सेटअप की थी, और बाकायदा ये ऑर्बिटल भी मैंने कैलकुलेट किए थे, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन था भाई, ओके, तो भाई अब हमारे पास क्या भाई, एक और डायग्राम, ये बिल्कुल क्या है सबसे, ये क्या है बिल्कुल सही डायग्राम भाई, ठीक है, और ये सारी बातें एक्सप्लेन कर देगा, कार्बोनाइल की बॉन्डिंग भी और मेटल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन कर देगा, हालांकि मैंने आपको पढ़ा रखा ये, इजंट इट, कहां पर भाई, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, सीओ का एमओ डायग्राम मैंने यही पढ़ाया था आपको भाई, क्या मैंने आपको यही एमओ डायग्राम नहीं पढ़ाया, फिजिकल में क्वांटम मैकेनिक्स के दौरान, ठीक है, तो आपको पता होगा भाई, यहां पता कौन है भाई, इसमें होता क्या है कि इसके 2s की भाई, यहां पता कौन कौन होता है, ये एक साइड से कौन आएंगे, कार्बन के ऑर्बिटल, एक साइड से आएंगे हमारे पास ऑक्सीजन के ऑर्बिटल, यहां पर आपने भाई कुछ नहीं करना है, यहां पर आपने पहले क्या लिखो, कार्बन के बताओ क्या होते हैं, 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz2, अब बताओ मेरे पास क्या है, 1s2 2s2 नहीं, ये तो कार्बन का है ना, 1s2 2s2 px1 2py1 एंड 2pz0, अरे बोलो भाई,
अब बताओ ओ क्या है हमारे पास, वन एस टू टू एस टू, टू पी एक्स वन, टू पी वाई वन एंड टू पी जेड टू। ओके, अरे बोलो भाई। अब यहां ये बताओ भाई, इसमें हमने कुछ ये नहीं है शुरुआत में, हमने ये कुछ नहीं करना है, यहां पर सिंपल बात है भाई, वन एस की मिक्सिंग होगी, वन एस से क्या बनेगा, सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस, आसान है ना बिल्कुल भाई। अब 2s की 2s से मिक्सिंग ना होती, क्योंकि जो इसके 2s की सिमेट्री होती है ना, वही मूल्य के सिमेट्री क्या होती है 2pz की, किसकी भाई, अरे भाई 1s 1s की मिक्सिंग होगी, एनर्जी कंपेरेबल थी, तो क्या बने हमारे पास 1s बॉन्डिंग 1s एंटी बॉन्डिंग। अब 2s 2s की सिमेट्री वही होती है जो इन 2pz 2pz सिमेट्री, मतलब इसके 2s की और इसके 2pz की सिमेट्री क्या होती है, बिल्कुल भाई सेम, और एनर्जी भी दोनों सेम सेम शेल से हैं, तो एनर्जीज भी क्या होंगी इनकी, कंपेरेबल, क्या होंगी भाई कंपेरेबल, यानी यहां पर जो मिक्सिंग होगी ना, तो 2s की मिक्सिंग 2s से ना हो, 2s 2pz 2s 2pz इन चारों की मिक्सिंग एक साथ होगी, एक साथ, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, अरे बोलो भाई, भाई मटर पनीर नहीं बनाना है, मिक्स वेज बनानी है, एक तो आप बनाओ मटर पनीर और एक आप बनाओ भाई क्या बोलते हैं आलू गोभी, मटर पनीर आलू गोभी, तो काम करो आप क्या बनाओ भाई, मटर पनीर आलू गोभी, क्या मतलब मिक्स वेज भाई, तो इनको आपने एक साथ मिक्स करना है, तो एक दो तीन चार सेम सिमेट्री कंपेरेबल एनर्जी वाले कितने हमारे पास, कितने भाई, चार ऑर्बिटल में मिक्स किए हैं, तो एमओज भी कितने बनेंगे मेरे पास, चार, लेकिन इन चार में से तीन तो पता क्या होते हैं, बॉन्डिंग, और एक क्या होता है ये मत बोलियो, बराबर बॉन्डिंग होते हैं बराबर, भाई वो बकवास होती है, वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में होता है, एक्सटेंट क्या होता है बराबर, समझ गए बात, अगर तीन बॉन्डिंग है और एक एंटी बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है, वो तीनों को बैलेंस करने दिक्कत क्या आपको, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो इसमें होता क्या है, तो इनकी तो इससे क्या बनेगा, तो इससे क्या बनेगा, सिग्मा वन और सिग्मा टू, टू स्टार, सिग्मा वन सिग्मा टू स्टार किससे बनेगा, इनके मिक्सिंग से, लेकिन भाई 2s 2pz 2s 2pz की मिक्सिंग क्या बनेंगे, चार क्या बनेंगे एमोज, तीन, एक तो क्या होगा सिग्मा थ्री सिग्मा फोर सिग्मा फाइव, ये तो बॉन्डिंग होंगे, और सिग्मा सिक्स क्या होगा एंटी बॉन्डिंग, यहाँ क्या आपको, तो बताओ चेक करो ऐसे बनाए कि नहीं बनाए, तो मैंने क्या लिखा है थ्री सिग्मा, अरे सिग्मा थ्री सिग्मा फोर सिग्मा फाइव और देखिए ये क्या है सिग्मा सिक्स, इसको स्टार बोलो, ये क्या, सिर्फ ये क्या होता है एक एंटी बॉन्डिंग नेचर का, बाकी सिग्मा थ्री सिग्मा फोर ये तो क्या होते हैं ठीक ठाक बॉन्डिंग, सिग्मा फाइव क्या होता है स्लाइटली बॉन्डिंग, क्या होता है बिल्कुल भाई, सिग्मा फाइव का तो स्लाइटली बॉन्डिंग होता है, बिल्कुल थोड़ा सा बॉन्डिंग होता है, ठीक है, और सिग्मा स्टार सिग्मा सिक्स क्या होता है हाईली एंटी बॉन्डिंग, ताकि भाई इसको, क्योंकि इसको तीन तीन बॉन्डिंग इसको बैलेंस करने हुए ओवरऑल इसको, तो काफी क्या होता है एंटी बॉन्डिंग होता है, तो हमारे पास बन गए हमारे पास चार एमोज, कौन कौन से बन गए बताइए, सिग्मा थ्री सिग्मा फोर सिग्मा फाइव एंड सिग्मा सिक्स, ठीक है, कुछ रिकॉर्ड आया, कुछ रिकॉर्ड आया कि नहीं आया भाई, वेरी गुड। अब बताओ ये पाई टू पी एक्स और पाई सॉरी टू पी एक्स, टू पी एक्स से क्या बनेगा, साइड वाइज ओवरलैप, मैं बताऊँ साइड वाइज मिक्सिंग, क्या बोलो भाई ओवरलैप बोलते बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की फील आती है, बताओ भाई, तो टू पी एक्स की मिक्सिंग से क्या बनेगा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, और इनसे क्या बनेगा पाई टू पाई, अरे पाई टू पी एक्स पाई स्टार टू पी एक्स, और टू पी वाई से क्या बनेगा पाई टू पी वाई एंड पाई स्टार टू पी वाई, और ये क्या होंगे डिजनरेट, तो ये बताओ क्या ये क्या है पाई टू पी एक्स, ये क्या है पाई स्टार टू पी एक्स, ये क्या है पाई टू पी वाई, क्या पाई स्टार, अरे भाई मैंने इसको वन पाई टू पाई क्यों बोल दिया कि पाई डबली डिजनरेट पाई ऑर्बिटल्स का एक सेट, ये क्या है डबली डिजनरेट पाई ऑर्बिटल्स का दूसरा सेट, लेकिन ये क्या ये वास्तव में क्या है पाई स्टार टू पी एक्स, ये क्या है पाई स्टार टू पी वाई, और ये कौन सा है पाई टू पी एक्स, ये कौन सा है पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई, नहीं आएगा आपको भाई आगे आपको, तो बताओ भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं यहाँ पर,
बताओ। तो सारे ऑर्बिटल्स मैंने बना लिए भाई। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने दो भाई, बोलो भाई, 8 और 6 भाई, 14 इलेक्ट्रॉन आपने भरने हैं सारे के सारे भाई, इजंट इट। इनको फिल करियो तो दो तो कहाँ जाएंगे, इनसे क्या बना होगा, इनसे क्या बना होगा, सिग्मा वन और सिग्मा टू। दो कहाँ पर आ गए इसमें, दो कहाँ पर आ गए इसमें, दो आ गए सिग्मा वन एस, सिग्मा वन एस में दो आ गए सिग्मा स्टार वन एस, यानी भाई अरे सिग्मा स्टार वन एस को बोल रहा हूँ सिग्मा टू स्टार, मैं इनको भाई लेबल लगा रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। दो कहाँ आ गए सिग्मा वन एस में, दो कहाँ आ गए सिग्मा स्टार वन एस में, जिसको मैं सिग्मा टू स्टार बोल रहा हूँ। तो 4 तो आ गए मेरे पास भाई, कितने रह गए, कितने रह गए 10, ठीक है। 10 में से दो कहाँ आ गए, 4 आ गए, 4 आ गए थे ना, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14। अब बताओ भाई 15 और 16 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं। यानी भाई 14 इलेक्ट्रॉन अपने कहाँ तक भर दिए, सिग्मा 5 तक, और पाई स्टार 2 पी एक्स, पाई स्टार 2 क्या रहेगी, क्या रहेगी भाई, एम्प्टी। वेरी गुड। यानी यहाँ पर ल्यूमो किस मिट्टी के हैं, ल्यूमो यहाँ पर किस नेचर के हैं, पाई स्टार। ल्यूमो यहाँ पर क्या है भाई, पाई स्टार ही है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होमो कौन से बन गए, सिग्मा बॉन्डिंग कौन सा भाई, सिग्मा 5 यहाँ पर क्या भाई बॉन्डिंग है ना, जो ये यहाँ पर क्या है होमो, ठीक है। अब आपको भाई ये तो बॉन्डिंग आ गया, अब तो भाई आप सीओ के बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई। अब आप क्या बोलोगे भाई, आप ये बोलोगे ना कि सीओ के बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इजंट इट। अच्छा आप मुझे बताओ भाई, क्या कार्बन के ऑर्बिटल्स ऊपर होते हैं, अरे एमओज जब बनते हैं, और ओ के कहां पर होते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली, जब एमओज बनते हैं ये कोई भी क्या है आर्बिट्रेरी एमओज, तो कार्बन ही कहां होते हैं ऊपर एटमिक, इसके एटमिक कहां होते हैं नीचे, नहीं बात आपको पले पड़ी। और आपको मालूम होना चाहिए भाई कि जो जिसके नजदीक होता है ना उसमें उसी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो पहले से हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये डायग्राम CO प्लस के बॉन्ड ऑर्डर को कैसे एक्सप्लेन करेगा। CO से CO प्लस बनाने पर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है ना। एक तो आप जो ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो ना, ये NB-NA/2, ये भाई डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकलता, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ। फिर तो आप क्या बोल दो फटाक से, यहां से अगर मैंने भाई इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बताओ सिग्मा 5 से बॉन्डिंग है ये, अरे बोलो भाई। तो भाई अभी क्या है, 14 में से 10 क्या है बॉन्डिंग, अरे बोलो भाई, नहीं अरे भाई, अरे ये तो क्या हमारा, हाँ अरे भाई ये बॉन्डिंग है, तो एंटी बॉन्डिंग बताओ कौन कौन से, एक तो कौन से हो गए, अरे भाई आप ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि बताओ यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या है आपके पास, अरे दो हमारे पास कहाँ पर है, सिग्मा स्टार, सिर्फ दो यहाँ पर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग भाई, कमाल देखो। ऐसे तो आप भाई बहुत ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर निकाल दोगे, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, दो यहाँ पर होते हैं सिग्मा स्टार बॉन्ड में, बाकी सारे एंटी बॉन्डिंग क्या है, खाली तो हैं। फिर तो आपको भाई भाई 14 में से 10 दो क्या गए एंटी बॉन्डिंग, तो 12 क्या, तो 6 यहाँ पर क्या गया बॉन्ड ऑर्डर, फिर मैं वास्तव में से बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकलता, जो हमारे पास क्या हूँ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, उनमें बाकायदा क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन से निकलता है कि कितना बॉन्डिंग कैरेक्टर है कितना इसके अंदर। कुछ बात आपको पहले पड़ी, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालोगे 3 आएगा, क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन से बॉन्ड ऑर्डर क्या हमारे पास सीओ का 3, ये हम ऐसे निकाल सकते बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करके, ठीक है बात। अरे भाई देखिए ये सिंपल तरीका सिर्फ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे ही क्या होता है लागू, ओके। तो आप मुझे बताओ कि ये, अब आप ये देखो भाई, आप इनकी शेप देखो, सिग्मा 3 मोस्टली किसके ऊपर सेंटर्ड है, ओ के ऊपर जो बॉन्डिंग है, सिग्मा 4 भाई बताओ किसके ऊपर सेंटर्ड है, कार्बन पे। अब जो पाई वाले हैं, हम आमतौर पे क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि पाई ऑर्बिटल्स में दोनों साइड के लोब्स क्या होती हैं सेम साइज की होती है, हम ये मानते हैं ना भाई, हम क्या मानते हैं कि जब कोई क्या बनता है पाई ऑर्बिटल्स, तो दोनों साइड के लोब क्या होती हैं सेम साइज की, भाई तब होता है जब दोनों क्या हो सेम का पार्टिसिपेटिंग एटम, अगर ये एटम सेम नहीं है ना तो ये लोब भी क्या होती है छोटी बड़ी छोटी बड़ी, नहीं बात आपको पली पड़ी क्या। तो यहां बताओ क्या, तो यहां पर जो क्या पाई बॉन्डिंग है ना, क्या यहां पर भाई वो पाई बॉन्डिंग है, वो भी ऐसे लिप्स नहीं है, ऐसे लिप्स नहीं है, वो कैसे लिप्स बताओ भाई, वो ऐसे लिप्स हैं
थोड़े से, अरे बोलो भाई, अनसिमेट्रिकल मतलब इस साइड कार्बन साइड लिप्स हो, सिमिलरिटी क्या है, पाई स्टार, क्या है जो पाई स्टार, उनमें बताओ क्या है, उनमें ये चार दो लोब की साइड होंगी, बताओ भाई, जो लोग कार्बन साइड है ध्यान से देखो वो तो क्या है बड़ी लोब, और जो लोग क्या है ओ साइड वो क्या है छोटी लोब, हालांकि ये पाई स्टार ये एमओ है, बात आपको पहले पड़ गई, नहीं आना आपको समझिए, तो भाई क्या होते हैं अनसिमेट्रिकल होते हैं शेप में, ये नहीं आना आपको ये, ओके। तो आप ये देखो भाई कि जो ये बॉन्डिंग है सिग्मा फाइव, ये इसकी एक बहुत बड़ी लोब की साइड बताओ, सिग्मा फाइव की एक बहुत बड़ी लोब, भाई यहां पर कौन मान लिया कार्बन और यहां कौन मान लिया ऑक्सीजन, तो बताओ भाई ज्यादातर जो डेंसिटी है सिग्मा फाइव में किस साइड बैठी है, कार्बन साइड, इजंट इट, अरे बोलो भाई इसका मतलब क्या हुआ, बोलो इसका मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप होमो से इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे ना, जब आप यहां पर भी होमो से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन प्राइमरीली किससे लॉस हो रहा है, कार्बन से, क्यों भाई, क्योंकि सिग्मा फाइव किसके ऊपर सेंटर्ड है, सिग्मा फाइव की ज्यादातर डेंसिटी किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर, यानी कार्बन क्या हो जाएगा एक तरह से, यानी कार्बन का वो पर्सनल लॉस माना जाएगा, यानी वो चार्ज आएगा जो वन प्लस है, वो किसके ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर, नहीं बात आपको पहले पड़ी, आपको भाई इलेक्ट्रॉन तो क्या बॉन्डिंग से गया है, इलेक्ट्रॉन तो कहां से गया है बॉन्डिंग से, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, घटना चाहिए भाई, बढ़ कैसे गया भाई, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग से, लेकिन जो सिग्मा फाइव होता है ना ये स्लाइटली बॉन्डिंग होता है, सिग्मा थ्री सिग्मा फोर और सिग्मा फाइव तीनों बॉन्डिंग है, सिग्मा सिक्स क्या होता है, अब सिग्मा थ्री सिग्मा फोर क्या होते हैं, ठीक ठाक बॉन्डिंग, लेकिन ये क्या होता है, बिल्कुल नाम नाम का बॉन्डिंग है, मतलब बैरी सेंटर से हल्का क्या बैठा है ये नीचे, बिल्कुल हल्का, नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो बॉन्डिंग कैरेक्टर पे ज्यादा सर, यानी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तीन से क्या हो जाएगा, मान दो पॉइंट नौ हो गया, कितना हो गया, मान लो दो पॉइंट, हल्का कम हो गया भाई, लेकिन आप ये देखो इसके निकलने के बाद जो चार्ज आएगा प्लस वो किस पे आएगा, एक्सक्लूसिवली कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो एक तरह से, अरे बोलो मेटाफोरिकली कार्बन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं हुआ क्या, कि कार्बन की अपने लोब्स को खींचने की पावर बढ़ जाएगी क्या, तो उससे कार्बन के ऑर्बिटर कहां जाएंगे, नीचे, और ओ वालों के एटॉमिक क्या जाएंगे, पार आ जाएंगे भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो जो चार्ज आएगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद वो किसके ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर, और कार्बन के ऑर्बिटल्स फिर कहां पर आ जाएंगे, अगर आपने इसको आयनाइज कर दिया सीओ से, अपने क्या बना सीओ प्लस, तो सीओ प्लस में प्लस चार्ज मोस्टली कहां बैठा होता है, कार्बन पे, तो कार्बन के ऑर्बिटल का, तो कार्बन एक तरह से क्या होगा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया भाई, तो ये अपने क्लाउड खींच लेगा क्या, अगर ये अपने क्लाउड खींच लेगा तो कार्बन के पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स कहां पर आ जाएंगे, नीचे, तो क्या वो ओ के ऑर्बिटल्स के बिल्कुल क्या आगे सीध में नहीं आए क्या, तो उससे बॉन्डिंग क्या होगी, एनहेंस होगी कि नहीं होगी, उससे बॉन्डिंग क्या होगी भाई, तो कोवेलेंसी, तो क्या बॉन्ड में कोवेलेंसी नहीं बढ़ जाएगी इससे भाई, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो जो लॉस ऑफ बॉन्डिंग कैरेक्टर था सिग्मा फाइव से निकलने का, जो क्या था उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने से सिग्मा फाइव में जो क्या हुआ है लॉस ऑफ बॉन्डिंग कैरेक्टर, वो तो बहुत थोड़ा है, उससे बॉन्ड ऑर्डर इतना घटता नहीं जितना कोवेलेंसी बढ़ने से, कार्बन का प्लस हो जाने से जो कोवेलेंसी में गेन मिलता है उससे बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग हो गया, मान लिया इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या हुआ बॉन्ड ऑर्डर तीन से हो गया, मान लिया दो पॉइंट नौ हो गया, बोलो भाई, लेकिन कोवेलेंसी जो बढ़ी है उससे मान लिया पॉइंट वन का तो क्या मान लिया, पॉइंट वन क्या भाई नुकसान है इलेक्ट्रॉन निकलने से बॉन्डिंग कैरेक्टर का, कोवेलेंसी बढ़ने से मान लिया पॉइंट तीन का फायदा हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा तीन पॉइंट दो, सॉरी पॉइंट तीन का फायदा हो गया, तो तीन माइनस पॉइंट एक भाई बॉन्डिंग से गया है कम से कम, लेकिन प्लस पॉइंट तीन क्यों कोवेलेंसी बढ़ेगी, तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा तीन पॉइंट दो नहीं हो जाएगा भाई, अरे पॉइंट तीन तो कोवेलेंसी बढ़ा रही है, पॉइंट तीन बॉन्ड ऑर्डर कौन बढ़ा रही है कोवेलेंसी गेन, और पॉइंट वन बॉन्ड ऑर्डर घटा रहा है लॉस ऑफ बॉन्डिंग कैरेक्टर, तो फायदा होगा नुकसान होगा, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा मजबूत, नहीं आना आपको ये, तो इस तरीके से हम
हम इजीली बताओ क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई, आ गया ना कोई? ठीक है, और इसकी भी ये लोब है। अब बताओ मैं क्या पढ़ना है भाई, अब ये मैं आपको बताऊँ बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दे, ये डायग्राम नहीं है, बहुत इजीली मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकता है। क्यों भाई? आप ये बताओ यहाँ पर जो ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग है कौन सा बताओ, सिग्मा फाइव, कौन सा भाई? सिग्मा फाइव। ये मोस्टली किसके ऊपर सेंटर्ड है? कार्बन पे। तो ये डोनेशन के लिए क्या, कार्बन साइड से? तो ये, अरे यहाँ से कार्बन है, मान लिया कार्बन यहाँ है मान लिया, तो कार्बन के इस साइड क्या निकली हुई है? तो कार्बन के इस साइड, मान लिया यहाँ पर कौन है? कार्बन। अरे बोलो भाई, पर यहाँ कौन है मेटल? यहाँ कार्बन, यहाँ कौन ऑक्सीजन? तो कार्बन की साइड क्या निकली हुई है? एक नॉन, एक भाई बॉन्डिंग पेयर, एक बॉन्डिंग पेयर। लेकिन वो बॉन्डिंग पेयर क्या है, मोस्टली कार्बन के ऊपर क्या है? सेंटर्ड। उसके लोबिस साइड है, तो वो क्या डोनेशन के लिए क्या है? अवेलेबल नहीं क्या? और यहाँ पर होमो कौन सा बताओ भाई, ल्यूमो कौन सा है यहाँ पर? पाई स्टार। तो क्या होगा, जो कार्बन होगा वो अपने सिग्मा फाइव क्या कर देगा? सिग्मा, अरे भाई कार्बन एंड से, कार्बन एंड से अप्रोच करके सिग्मा फाइव तो क्या कर देगा, मेटल के हाइब्रिड एम्प्टी में डोनेट। बोलो भाई, और अपने इसमें क्या कर लेगा, अरे पाई स्टार में क्या कर लेगा? ल्यूमो तो यहाँ भी क्या है, अरे भाई ल्यूमो तो यहाँ भी क्या है, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, नहीं है क्या आपको? तो सिग्मा बॉन्डिंग और बैक, और ध्यान रखिए भाई मैंने नहीं है, मैंने मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग को पाई बॉन्डिंग, मैंने वैलेंस बॉन्ड सॉलिसिटेट कर लिया है। अदरवाइज क्या होगा, जो हमारे पास क्या है, ये जो ये नहीं है हमारे पास है सिग्मा फाइव, क्या जो क्या है सिग्मा फाइव, जो हमारे पास क्या आएंगे, छः सी ओ, उन छः सी ओ के छः सिग्मा फाइव पहले क्या होंगे, लीनियरली कंबाइन, और क्या बनाएंगे, सिमेट्री एडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशंस, छः सिग्मा साक्स उनकी सिमेट्री, और जो क्या है ये, अरे ये पाई स्टार टू पी एक्स पाई, इनको मिक्स कर आप क्या बनाओगे, बारह पाई साक्स, वो बारह फिर भाई मेटल के ऑर्बिटल्स की सिमेट्री मिक्सिंग, नहीं आएगा आपको भाई? तो वो तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा भाई, लेकिन पता तो ना आपको कैसे हो रहा है ये। ओके, तो मैंने यहाँ पर भाई एमओ थ्योरी बोल के भी, हमने कार्बन के अंदर तो, हमने सीओ के अंदर तो बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन कर ली है अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी, लेकिन लेकिन भाई मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग भी मैंने कैसे डील की है। तो मोस्टली बुक्स में जो बोलते हैं ना भाई कि ये एमओ थ्योरी से टैकल कर रहे हैं, वास्तव में वो मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग को तब भी किससे टैकल कर रहे होते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। ठीक है, जाओ जाओ, वैसे खत्म हो ही गया, बस ये आगे ना आपको भैया। अब बताओ भाई क्या है रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, भाई तो खत्म करना है। ठीक है, ओके, रिएक्शंस ऑफ मेटल, बस ये मैं तुम पांच मिनट का गिन के है, आप चलो स्टॉप वॉच चला लो जाए। ठीक है, अब बताओ एक तो क्या होती है भाई रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, क्या होती है, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है भाई, कोई प्रीवियसली अटैच्ड, अरे भाई कोई प्रीवियस, जैसे भाई, अरे भाई ये लिगेंड क्या करेगा, एक सीओ को उठा देगा, बन गया ना ये, एक क्या होती है बताओ हमारे पास, इनको पढ़ो तो पढ़ लियो भाई, और जो और भी देखिए काफ़ी सारी, ये सब एग्जांपल किसके हैं, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बताओ ये कैसी रिएक्शंस शो करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइलेट एनायन, ये बताओ कैसे आएंगी, आप सी आर सी ओ सिक्स में क्या मिला दो, दो एन ए, क्या भाई, तो अगर एक सीओ निकल जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, एक सीओ निकल जाए कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, दो, तो ये 18 इलेक्ट्रॉनों को फॉलो नहीं करेगा ना, आप एक सोडियम मिला दो भाई, तो दो सोडियम, दो सोडियम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देंगे, हो गए ना पूरे भाई, तो क्या हो गया मेरे पास ये, तो ये क्या एन ए प्लस, एन ए प्लस, और ये क्या होगा, ये वास्तव में क्या है सी आर सी ओ फाइव टू नेगेटिव हो गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं कार्बोनाइलेट एनायन। तो और क्या बनाते हैं सिंपल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइलेट एनायन, और क्या होते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइलेट कैटायन, ये बताओ कैसे बनती है, बोलो भाई बताओ, यहाँ क्या बन गया हमारे पास, एच एफ सी ओ फाइव पॉजिटिव, नहीं आया क्या, और क्या होते हैं सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड, बताओ भाई ये क्या होते हैं, ये क्या है कार्बोनाइल्स, अरे बोलो भाई इसमें क्या मिलाओ, इस डाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल में क्या मिला दो, डाई हाइड्रोजन। तो बताओ भाई अगर CO2 CO8 में CO2 CO कोबाल्ट 2 CO8 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ भाई, 34, कोबाल्ट 2 CO8 में इलेक्ट्रॉन काउंट क्या आएगा,
अब क्या आएगा, चाहिए कितने 36, होते कितने 34, तो दो कहां से आते हैं, एक मेटल मेटल बॉन्ड से, दो कहां से आते भाई, एक मेटल मेटल बॉन्ड से आते होंगे। लेकिन अगर मैं काम करूं भाई, मैं दो हाइड्रोजन जोड़ दूं, क्या भाई, अगर मैं इसको तोड़ दूं भाई, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, CO CO4 में क्या होंगे 17, तो कोबाल्ट 4 CO4 में क्या होंगे 17 होंगे ना भाई। लेकिन एक हाइड्रोजन आ जाए तो क्या करेगा, 17 क्या कर देगा 18। इसीलिए भाई अगर आपने क्या कर दिया, H2 के साथ गर्म कर दिया तो क्या बन जाएगा, H cobalt CO4 हो गया ना 18 पूरे, क्योंकि CO इसको सिंपली तोड़ता मैं तो cobalt CO4 बनता भाई, दो यूनिट क्या बनती cobalt CO4, जो क्या होती 17 17 इलेक्ट्रॉन रखती। नहीं आना आपको ये जुड़ से बोल रहे हो। अब बताओ क्या है हमारे पास, सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनाइल हैलाइड्स, ये बताओ भाई हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई क्या बन गया हैलाइड, है ना, ओके। फिर तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल नाइट्रोसिल और मेटल नाइट्रोसिल, ये बताओ कैसे बनाते भाई। एक तो भाई हमारे पास क्या होगी, एक तरह से लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अच्छा Fe2CO5 है, दो NO ने 3 CO कैसे हटा दिए, हाउ, दो NO ने भाई लीनियर मोड में इलेक्ट्रॉन NO कितने प्रोवाइड करता है, 3, तो 3 NO क्या करेंगे, सॉरी 2 NO क्या करेंगे 6, तो 3 क्या चाहिए मुझे CO, यानी आप जब क्या करोगे भाई, क्या बनाओगे कार्बोनाइल से नाइट्रोसिल, तो अगर नाइट्रोसिल कैसे आ रहे हैं लीनियर मोड में, तो 2 CO हटाओ, 3 CO उठाओ किससे, 2 NO से, नहीं आ गया आपको, बन गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। मैं देखो मैं आपको तो रिएक्शन में भी बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन भाई क्वेश्चन आ रखे हैं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लियो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि हम इतना सारा सिलेबस करते हैं तो जहाँ भी आपको क्रैमिंग की ज़रूरत है उसको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई हमने सिलेबस मेड कर रखा है इसको, ठीक है। अब बताओ क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये बताओ ये जो रिएक्शन है इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0, अब क्या हो गया +2 and -2, तो क्या हुआ यहाँ पर, Fe क्या हुआ है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो कई सारी रिएक्शन ये कैसी शो करता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वेरी गुड। और बताओ, अब बताओ क्वेश्चंस, अब खुश, अरे बोलो भाई, कोई नहीं जाके परांठे खा लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ भाई, अमंग द फॉलोइंग मेटल्स, ये भाई क्वेश्चन नेट में आया हुआ है पार्ट सी में 4 नंबर में June 2011 में आया हुआ है, बताओ क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, अमंग द मेटल मैगनीज FeCONi, ये बताओ इनमें से भाई डायरेक्टली CO के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कौन कौन बनाता है, ये कहता है कोबाल्ट एंड MN, हमको पता कोबाल्ट तो बनाता है, MN नहीं बनाता भाई, तो पूरा पेयर तो नहीं होगा ना काउंट, वेरी गुड, MN एंड Fe बनाता है, MN नहीं बनाता, Fe एंड NI, हाँ हमको पता है भाई, मैंने आपको पढ़ाया था सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स, ये बेटा आपको हम पढ़ा था ना भाई, Fe और NI, तो कौन सा पेयर आ गया। तो कभी कभार मैं आपको बताऊं ऐसे क्रैमिंग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हमने यहां पर लिख दिया ये कौन सा, अरे NI और CO, फिर उनका क्वेश्चन गलत है भाई, फिर ये हो सकता, मैं आपको बताऊं भाई, तो मैं फिर हो सकता है, क्योंकि मैंने जहां से ये लिखा है ना, अब या तो भाई क्वेश्चन गलत है, लेकिन मैंने भाई जिस बुक से रेफरेंस लिया था या जिस पेपर से, वहां पर कोबाल्ट वाले में कोई मेरे ख्याल से कोई कैटालिस्ट था नहीं बात आपको पहले पड़ गया, तो मैं भी कोबाल्ट को भाई इनिशिएट करना पड़ता हो, नहीं बात आपको पहले पड़ गया, तो ये पॉसिबिलिटी, इसीलिए उन्होंने कोबाल्ट कंसिडर नहीं किया है। लेकिन भाई, लेकिन ये तो पक्का है ना भाई कि Fe और नहीं, तो क्या पक्का है, अरे बोलो भाई, तो फिलहाल तो ये मानो भाई, आप फिलहाल ये मानो, अगर मान लिया नेट में इसका आंसर सीधे रखा है, तो आप क्या मानो कि जो कोबाल्ट है वो पक्का क्या होगा, वो रिएक्ट तो करता है कार्बोनिल के साथ, लेकिन मे भी वहां पर आपको भाई कोई ना कोई कैटालिस्ट आपको इस्तेमाल करना जरूर मस्ट होता होगा भाई, ठीक है ना, इसलिए इसे कंसिडर नहीं कर रहे, अदरवाइज भाई कोबाल्ट भी सीधे रिएक्ट कर सकता किससे, बोलो भाई, तो मे भी यहां पर भाई कोई कैटालिस्ट इस्तेमाल होता होगा। अब बताओ नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इन Fe3CO12 कितने होंगे,
Fe3CO12 में कितने मेटल मेटल बॉन्ड आएंगे? अंजलि अब बताओ बेटा, बताओ तीन मेटल सेंटर चाहिए कितने? 18 + 54 क्या बोला आपने? 36 वेरी गुड भाई। 54 की यहाँ पर क्या है रिक्वायरमेंट है? मैं मानता कि मुझे 18 का पढ़ा नहीं आता। बोलो भाई 54 की यहाँ पर क्या है? मुझे बेटा पता है 54 की यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है कितने? एक आर ने पास क्या होते हैं 8 + 8 = 24 12 × 24 48 कितने आगे? बोलो भाई 6/2 क्या है? 3 आए ना, 3 मेटल मेटल बॉन्ड। आंसर क्या बताओ? डी आगे आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।